thank <music> you वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवान गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं सभी लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए यस वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा दुआ सलाम सभी को मेरा जय हिंद तो जल्दी से जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को यस गियर में आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी क्या है ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्या क्या हो सकता है मतलब क्या चीज है ये थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं पहले गियर टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि जब आप जिस मशीन के अंदर इंटर कर रहे हो तो मशीन के हर एक पार्ट के बारे में जानना एक मैकेनिकल इंजीनियर की पहचान है अगर आप उस मशीन को पढ़ रहे हो अगर आप उस एलिमेंट को पढ़ रहे हो जिससे आप एक बहुत बड़ा मशीन बना सकते हो यस गियर जिससे आप एक बहुत बड़ी चीज बना सकते हो मेरे भाई आप उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके एक एक रग रग से वाकिफ होना पड़ेगा जी हां आज मैं आप लोगों को वही पढ़ाने वाला हूं गियर के अंदर हर एक पार्ट हर एक पॉइंट इसको क्या कहते हैं आज आपको मैं फील कराने वाला हूं आज आपको ये सारी चीज फील हो जाएगी आज के बाद अगर आप कोई भी गियर देखोगे आपको फील होगा यस ये है गियर में एडेंडम ये है डिडेंडम ये है एडेंडम सर्किल ये है डिडेंडम सर्किल ये है क्लियरेंस सर्किल ये है वर्किंग डेप्थ ये है टोटल डेप्थ ये है फेस विड्थ ये है फ्लेट रेडियस ये है टोटल स्पेस सॉरी यह टूथ स्पेस यह है टूथ थिकनेस सर्कुलर पिछ यह डायमेट्रल पिच इसको कहते हैं मॉड्यूल इसको कहते हैं प्रेशर एंगल होता है प्रेशर लाइन ठीक है सारे. में अगर मैं बात करना चाहूं तो टोटल थर्टी प्लस टर्मिनोलॉजी है तीस से ज्यादा तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं और ये सारी चीजें आपको फील होने वाली हैं आपको मैं गारंटी देता हूं ये चीज तो एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए अच्छा यूज कह रहे सर एक मिनट सर शेयर कर लो यस गाइस प्लीज शेयर सेशन एंड से फुल कोर्स दिस इज द फुल कोर्स नॉट अ क्रैश कोर्स दिस इज द फुल कोर्स ओके यहां हम आपको क्वेश्चन भी कराते हैं वी कैन वी हैव डिस्कसिंग सम क्वेश्चन गेट और ईएससी क्वेश्चन ओके विथ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ओके तो सभी लोग एक बार फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं अपने बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को चलिए तो बढ़ा जाए आगे आगे बढ़ा जाए चलिए तो आगे देखते हैं गाइस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप, आप लोगों को बताना चाहूंगा अनएकेडमी कॉम्बेट में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो हर संडे सुबह ग्यारह बजे आपके लिए अन एकेडमी आता है अगर कॉम्बेट में आपको कोई भी पासवर्ड या कोई एंट्री की मांगी जाए तो आलोक लाइव इज अ की ठीक है चलिए सो हेलो एवरीवन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल गेट पर और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए तो शुरुआत करते हैं यस चलिए तो शुरुआत करते हैं डियर तो गाइज हाँ सबसे पहली बात मैं अगर अपने बारे में बताना आई एम फोर टाइम्स चाहूंगा एमटे फ्रॉम आई आई टी एंड नाइन ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस यस डिजाइन इंजीनियर हूं मैं कौन हूं सर आप यस आई एम अ डिजाइन इंजीनियर एमटेक में सबसे बड़ी ब्रांच कही जाती है डिजाइन इंजीनियरिंग ठीक है ध्यान रखिएगा एंड uh, क्या पढ़ाते हो सर द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ठीक ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हार्ट एंड सोल ये आप देख सकते हो थ्यूरी ऑफ मशीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसके बिना कुछ नहीं है ठीक ना देखो ध्यान से आलोक लाइव क्या है आलोक लाइव एक पासवर्ड है अगर मेरी फ्री स्पेशल क्लास देखना चाहते हो तो पासवर्ड है कल नहीं हो पाई प्री स्पेशल क्लास डियर कल संडे था ठीक है ना कल प्रॉब्लम कुछ था मेरा मतलब मैं लेना चाहता था स्पेशल क्लास लगाया भी था बट ले नहीं पाया टेक्निकल इशू था कुछ ठीक है ना अब मैं बात करना चाहूंगा आज स्पेशल क्लास होगी बिल्कुल होगी आज ठीक है ना आपको टाइम बता दिया जाएगा आपको आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल के अंदर ठीक है ना तो आलोक लाइव एक पासवर्ड है जिससे आप फ्री स्पेशल क्लास ले सकते हो आलोक लाइव एक की है जिससे आप टेन परसेंट का डिस्काउंट पा सकते हो अन के सब्सक्रिप्शन पे अन लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो पासवर्ड यूज करो और आ जाओ मेरी क्लास में आलोक लाइव एक टेलीग्राम चैनल भी है आप देख सकते हो इसको स्कैन करो इस बार कोड को स्कैन करो सीधे टेलीग्राम पे पहुंचोगे अदरवाइज ये हमारा लिंक है टेलीग्राम का आप इस पे आ सकते हो ठीक है और बच्चा लोग मैंने आप 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 लोगों लोगों को को बोला था के के लिए लिए दो सरप्राइज सरप्राइज जल्द ही आने वाला है ठीक ना तो एक के लिए आप लोग को थोड़े लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा जस्ट लाइक अ टू डेज से दस दिन और दूसरा सरप्राइज आपको दो से तीन दिन के अंदर आपको मिलने वाला है तो मतलब इस वीक में आपको मिलने वाला है सरप्राइज बहुत बड़ी चीज मतलब आपको फायदे के लिए है वो ठीक है ना चलिए स्टार्ट करते हैं तो गेट रेडी टू लर्न द हार्ट ऑफ मैकेनिकल दैट इज गियर ठीक है ना हार्ट ऑफ मैकेनिकल की बात करेंगे डियर आज हम बात करेंगे हार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग गियर की तो चलिए स्टार्ट करते हैं गियर टर्मिनोलॉजी को सो गाइस आर यू रेडी अगर आप तैयार हो अगर आप रेडी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आग लगा दोगे थम्स कर दोगे सभी लोग अगर आप रेडी हो अगर आप तैयार हो गाइज आर यू रेडी गियर टेक्नोलॉजी को फील करना है कोई कॉपी पेन नहीं उठाएगा जितना बता रहा हूं सब बोर्ड पे देखेगा कोई कॉपी पेन से कुछ नहीं लिखेगा मैं कह रहा हूं लिखना हो क्लास के बाद लिखना नोट्स प्रोवाइड करता हूं आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल हो वहां से देख के लिखो कोई दिक्कत नहीं कॉपी पेन मत उठाओ यहां ध्यान से देखो सो गाइश आर यू रेडी अगर आप रेडी हैं तो एक बार थम्स कर दीजिए कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए बवाल मचा दीजिए बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं रे अरे वाह वेरी गुड चलिए तो गाइज अगर हम बात करू गियर टर्मिनोलॉजी तो आज हम यहां देखने वाले हैं गियर भाई साहब की टर्म टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है टर्म की बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले है? टर्म्स मतलब गियर में क्या क्या होता है अगर हमें गियर को देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है ठीक है ना तो इन सब की बात करने वाले हैं ये जो टर्म आपको लिखे दिख रहे हैं ना ये सारे टर्म आपको थोड़ी देर में आपके जुबान पे होंगे आपके माइंड में चिपक चुका होगा ये मैं प्रॉमिस करता हूं तो आज मैं आपको ये गियर टीथ के ऊपर क्या क्या होता है इसकी चर्चा करने वाला हूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दू गियर क्या है अगर आपसे कोई पूछता है गियर क्या है तो आप क्या कहोगे सर गियर इज अ रोलिंग एलिमेंट विच कैन ट्रांसमिट पावर अपन ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यस और नो ये तो कहोगे बिल्कुल बट उससे पहले आपको एक लाइन कहना है उस बंदे को जो आपसे पूछे गियर क्या है तो आप कहोगे गियर इज अ फ्रिक्शनल डिस्क गियर क्या है गियर एक फ्रिक्शनल डिस्क है मतलब गियर एक सर्कुलर मेंबर है फ्रिक्शनल डिस्क का मतलब क्या हो गया गियर बनाने से पहले हम लोग क्या किए थे गियर एक फ्रिक्शनल डिस्क है उसको मत भूलना उसको मत बोलना ये लाइन कोई भी पूछे कभी पूछे इंटरव्यूअर पूछे चाहे कोई भी पूछे तुम्हारे दोस्त पूछे तब भी उस डिस्क के ऊपर अच्छा तो गई अगर गियर एक फ्रिक्शनल डिस्क है इसका मतलब गियर में एक डिस्क है गियर एक सर्कुलर एलिमेंट पूरा पूरा एक डिस्क लेकर बैठा है जी सर अच्छा अगर मैं गियर को बनाने जा रहा हूं यू कैन सी दिस ये तो ऐसे इंटरनल गियर आपको दिख रहा है ठीक ना ऐसे बहुत सारे ये इंटरनल गियर है ये एक्सटर्नल गियर है कैसे कैसे कोई भी गियर हो एनी थिंग गियर क्या है एक सर्कुलर मेंबर है ठीक ना फ्रिक्शनल डिस्क है तो मैं अब आप आपको एकदम बेसिक से लेकर चलता हूं ध्यान से सुनिएगा अच्छा हमारे पास क्या था एक फ्रिक्शनल डिस्क था एक सर्किल था एकदम बेसिक से समझना वेरी ब्यूटिफुलिस कट करना था तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी कट कर देंगे अपने मन से उठाया और कट करना शुरू कर दिया ऐसा नहीं होगा ना बचा लोग इनसाइड मतलब कॉन्सेंट्रेट सर्किल खींचेंगे अगर मैं कह रहा हूं इसका सेंटर ये है लेटर सपोज लेटर सपोज सेंटर यह था तो इसके अंदर क्या करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल खींचेंगे मैंने एक सर्किल ये खींचा ठीक है और एक अलग कलर में खींचते हैं या एक सर्किल ये खींचा तो मैंने गियर के ऊपर क्या किया मैंने तीन सर्किल खींचे तीन सर्किल अब ये तीन सर्किल कौन कौन से थोड़ा सा मैं पहली बात कर लेता हूं और इन तीन सर्किल के बीच में मैं क्या कट करूंगा टीथ थोड़ा ध्यान से इन तीन सर्किल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जब आप गियर का ये तीन सर्किल खींच लेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे आप उसके ऊपर आप गियर के टीथ कट करेंगे बोलिए हाँ या ना यस और नो बस ये मेरे को बताइए गियर के टीथ ऐसे ही कट करेंगे आप जी सर बिल्कुल ऐसे ही कट करेंगे ठीक है गियर के टीथ आप इस पर कटिंग करने वाले हैं अच्छा जी सर बस ध्यान से देखते रहना नो अगर मैं कहता हूं इसको मैंने ऐसे कट किया गियर का टीथ कट हो गया बिल्कुल हमारे सामने तीन सर्किल दिख रहा है ध्यान से देखो एक ये एक एक ये और नो तो मेरे बच्चा लोग ध्यान से देखो अगर मैं कहता हूं दिस इज द सेंटर कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तीनों तो डियर ये बताओ ये गियर का टीत अगर ये है इफ दिस इज द गियर टीथ इफ दिस इज द गियर टीथ

Now, what is this? Sir, this is the bottom most. Root. Gear ke teeth ka? Root. This is the root of gear teeth. So, this is the bottom most circle. So, what is this? What, what is, my dear, my dear, see this, see this. What is this? Sir, this is the bottom most. Okay, this is the bottom most circle. So, this is the root. Yeah, this is the root. सुनते रहना सुनते रहे सर्किल तो yes no? okay, जो सर्किल है ये रूट सर्किल है बॉटम मोस्ट सर्किल है दिस इज द टॉप मोस्ट सर्किल दिस इज दॉटम मोस्ट सर्किल रूट सर्किल नाउ टॉप मोस्ट सर्किलो नोन एज डियर एडेंडम सर्किल वॉट सर्किल

जस्ट लाइक दिस दिस इज द गियर टीथ योर फिंगर इज अ गियर टीथ यस नो यस सर दिस इज द गियर टीथ दिस इज द टॉप मोस्ट सर्किल दिस इज द टॉप मोस्ट सर्किल यस सर एंड दिस इज द बॉटम मोस्ट सर्किस सर ओके दिस इज द टॉप मोस्ट सर्किल दिस इज द बॉटम मोस्ट सर्किल ओके डन सर नाउ इन दोनों के बीच में इन बिटवीन देर इज अ सर्किल इन दोनों के बीच में एक सर्किल है दिस इज फॉर डिक्स सर्किल ज कॉल्ड अब पिच सर्किल अब मेरा क्वेश्चन है आपसे आपको ये उंगली दिख रही है जी सर आपको गियर का टीथ याद आ रहा है जी सर गियर का टीथ जस्ट लाइक सेम टू सेम उंगली की तरह होती है ये जो हमारी उंगली दिख रही है आपको ठीक है सर नाउ अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि दिस इज द टॉप मोस्ट सर्किल यस सर दिस इज द बॉटम मोस्ट सर्किल यस सर नाउ वेर इज द पिच सर्किल पिच सर्किल कहीं दिख रहा है सर एडेंडम सर्किल तो दिख रहा है डिडेंडम सर्किल भी दिख रहा है कहीं पिच सर्किल दिखाई दे रहा है कहीं पिच सर्किल दिखाई दे रहा है नो no, सर पिच सर्किल दिखाई नहीं देता पिच सर्किल इमेजिन करना पड़ता है सो पीस सर्किल इज व्हाट दिस इज द इमेजिनरी सर्किल दिस इज व्हाट दिस इज द इमेजिनरी सर्किल व्हाट अबाउट द पीस सर्किल सर पीस सर्किल दिखाई नहीं देता पेस सर्किल इज वॉट सर पे सर्किल इज दिस इज द इमेजनरी सर्किल वाई पेस सर्किल इज मोर इंपॉर्टेंट पेस सर्किल क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेस सर्किल गियर को स्पेसिफाई करने के लिए एक सर्किल की जरूरत थी उसका नाम पड़ा पेस सर्किल अभी बताता हूं क्यों वाई रीजन इज वॉट तो गियर आर जनरली स्पेसिफाइड बाई पिच सर्किल डायामी अभी यह सारी चीजें क्लियर होंगी पिच सर्किल ही क्यू अभी मैं बताऊंगा आपको वाई पिच सर्किल वाई पिच सर्किल डायमी वाई गियर आर जनरली स्पेसिफाइड बाई पिच सर्किल डायमी मीनिंग ऑफ दिस लाइन सर इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट में मैं गया जस्ट लाइक सी दिस मैं इसको खरीदने गया तो मैं कहूंगा ना भैया एक पेन देना कहूंगा ना तो ऐसे अगर मैं गियर में जाऊं देखो इस तरीके का पेन एक ही है लेकिन अगर मैं इसके लिए जाऊं भैया एक गियर देना वो कहेगा कैसा गियर दू छोटा दू बड़ा दू कैसा दू क्या दू कैसा चाहिए तुम्हें स्पेसिफाई स्पेसिफाई दैट मीनस द स्पेसिफाई मीनिंग माई डियर फ्रेंड लुक एट दिस स्पेसिफाई का मतलब ये होता है कि गियर गियर को जब आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में तो आपको पता चलना चाहिए आप किस नाम से उसे पुकारोगे जैसे मार्केट कुंभ के मेले में चिंटू खो गया तो हम अनाउंस कराएंगे एक छोटा बच्चा चिंटू खो गया है नाम क्या है चिंटू तो भैया इसका नाम क्या है पिस सर्किल डाया से ही हम स्पेसिफाई करेंगे जैसे भैया 20 एम mm एम पिस सर्किल डाया का गियर दीजिएगा तो वो जो डाया बोलेंगे ना वो पिस सर्किल होगा डियर तो दि गियर को ना एडेंडम सर्किल से डिफाइन करते हैं ना डिडेंडम से गियर को किसान डिफाइन करते हैं पिच सर्किल से अच्छा पिच सर्किल से ही क्यों करते हैं व्हाट इज द रीजन बिकॉज जब भी दो गियर आपस में चलता है तो पॉइंट का कांटेक्ट होता है या लाइन का कांटेक्ट होता है याद करो गियर की पहली क्लास पॉइंट का कॉन्टेक्ट और लाइन का कॉन्टेक्ट चलता है डियर ठीक है उसके अंदर जो पॉइंट और लाइन का कॉन्टेक्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सर दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट गियर का जब भी दो टीथ आपस में मैस करेगा तो पिच पे ही जाकर कॉन्टेक्ट करेगा बात समझ में आया इसीलिए हम लोग पिच से ही डिफाइन करते हैं गियर को क्लियर क्योंकि गियर की मैशिंग हमेशा इसी पे होती है ठीक है ना और ये कहीं दिखाई नहीं देता ये जनरेट होता है ये प्रोफाइल क्या होता है डियर दिस प्रोफाइल इज जनरेट सो माय डियर फ्रेंड एट दिस व्हाट इज द पीस सर्किल पिस सर्किल इज द इमेजिनरी सर्किल ओके डन ओके डन दिस इज दर्किल दिस इज द डिडेंडम सर्किल आल्सो कॉल्ड रूट सर्किल एंड दिस सर दिस इज दिस्ट सर्किल ओके डन ओके डन ओके डन ना माय डियर फ्रेंड लुकेट दिस देखते रहो ये तीन चीजें क्लियर हुई ये तीन चीजें क्लियर हुई ये और नो ये तीन चीजें क्लियर हुई यस और नो चलो मैं एक काम करता हूं आई अ समथिंग समथिंग स्केच एक सेकेंड वेट करना मैं कुछ कलर्स वगैरह ले लेता हूं हाँ चलो मैंने कुछ स्केचेस लिए हैं अब मैं आपको और थोड़ा फील कराना चाहता हूं मुझे पता है आपको ये तीन लाइन समझ में आ गए बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं यू कैन सी दिस This is my finger no, sir, this is a gear teeth yeah, very good okay, you can see this <clears throat> what is this what is the uppermost part, sir, this is the addendum okay done what is the bottommost part sir, this is the dedendum, okay सर दिस इज द डिडेंडम दिस इज द एडेंडम आर यू गेटिंग माय पॉइंट दिस इज द डिडेंडम सर्किल दिस इज द एडेंडम सर्किल यस सर दिस इज द एडेंडम सर्किल दिस इज द डिडेंडम सर्किल नाउ यहां हम कहीं एक पिच सर्किल कंसीडर करेंगे व्हाट इज दिस सर दिस इज द पिच सर्किल आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये दिखाई नहीं देता ये दिखाई नहीं देता ये हम कंसीडर किए हैं यहां नाउ माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस एक चिंटू ने आके मुझसे पूछा कि पिच सर्किल एडेंडम और डिडेंडम सर्किल के बीच में होगी क्या तब मेरा दिमाग खुला और मैंने कहा कि इसको डिफाइन करना पड़ेगा और आगे हम डिफाइन करने यू कैन सी दिस यू कैन सी दिस द दिसूटिफुल लाइन नाउ रेड अब मैंने क्या किया मैंने क्या किया मैंने पिच सर्किल से लेकर एडेंडम सर्किल तक एक लाइन खींची दिखना ध्यान से पिच सर्किल से लेकर एडेंडम सर्किल तक एक लाइन खींची दिस 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 लाइन व्हाट इज दिस लाइन सर दिस लाइन इज कॉल्ड एडेंडम ओके नाउ मतलब आपका कहने का मतलब सर ये है कि पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच में एक लाइन खींची जिसका नाम पड़ गया एडेंडम ओके नाउ मैंने पिच सर्किल से डिडेंडम सर्किल पे एक लाइन खींची पिच सर्किल से पिच सर्किल से डिडेंडम सर्किल पे एक लाइन खींची बीचो बीच इसका नाम पड़ गया क्या डिडेंडम इसका नाम क्या पड़ा सर व्हाट इज दिस सर दिस इज द डिडेंडम नाउ प्लीज एडेंडम और डिडेंडम को डिफाइन कैसे करोगे तो आपको आज के बाद ज्यादा टेंशन नहीं लेना है मैंने आपको जो बताया उसी चीज को एक कंसाइज मैंने बता रहा हूं पिच सर्किल से किस सर्किल से पिच सर्किल से जिस सर्किल पे जाओगे वही नाम पड़ जाएगा उस रास्ते का ठीक है ना पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल पर गए तो एडेंडम सर्किल पे गए तो उस रास्ते का नाम एडेंडम पड़ गया सर्किल से डिडेंडम सर्किल पे आए तो उस रास्ते का नाम डिडेंडम पड़ गया नाउ माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस एडेंडम इज द डिस्टेंस डिडेंडम इज द डिस्टेंस एडेंडम सर्किल इज द सर्किल डिडेंडम सर्किल इज द सर्किल टॉप मोस्ट सर्किल एडेंडम सर्किल दिस इज द डिस्टेंस दिस इज द सर्किल ओके क्लियर है जल्दी जल्दी बताओ एडेंडम एंड डिडेंडम इज क्लियर यस और नो एडेंडम और डिडेंडम क्लियर है डिस्टेंस बिटवीन पिस्ट सर्किल टू द एडेंडम सर्किल और एडेंडम सर्किल टू दि सर्किल के बीच की डिस्टेंस व डिडेंडम डिफिफन लिखने के लिए वट इज द डिडेंडम सर पिच सर्किल टू द सर्केल सर्केल। okay, मेरे कि सर, क्या ये मैं दिमाग लगाना चालू कर गया मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यह बीचो बीच हो सुनना मेरी बात ध्यान से एकदम फिर मैंने कहा कि नहीं ये बीचो बीच नहीं है सर्किल इन दोनों के बीचो बीच नहीं होता इन बिटवीन कभी ऐसा नहीं होता कि बीचो बीच हो एकदम नो सर दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग ओके तो क्या है यू कैन सी दिस एडेंडम एंड डिडेंडम नाउ माय डियर फ्रेंड, लुक एट दिस लुक एट दिस एक है एडेंडम एक है डिडेंडम एक है एडेंडम एक है डिडेंडम ओके कैन सी दिस विचवन इज मोर मैंने चिंटू को पढ़ा दिया चिंटू परेशान डिडेंडम इज मोर एज कंपेयर टू एडेंडम डिडेंडम इज मोर ओके सर डिडेंडम इज मोर डिडेंडम इज ग्रेटर देन एडेंडम डिडेंडम बड़ा होगा एडेंडम से येस और नो ओके सर ना बचा लोग यू कैन सी दिस सर क्यों बड़ा है अब उसका रीजन है उसका रीजन में आपको पहले दे देता हूं यह एक मॉड्यूल है यह एक दशमलव एक पांच सात मॉड्यूल सर यह मॉड्यूल क्या होता है बेटा इसीलिए कह रहा था अभी समझ नहीं आएगा बस ध्यान से देखते रहो ध्यान से देखते रहो एम फॉर मॉड्यूल ना कि मीटर एम का मतलब क्या हो गया डियर मॉड्यूल मॉड्यूल को पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा डोंट टेक टेंशन ठीक ना डिडेंडम होता है वन मॉड्यूल ना सर याद कैसे रखें कि डिडेंडम बड़ा है एडेंडम से देखो थोड़ी देर में अपने आप याद हो जाएगा अगर फिर भी नहीं याद होता तो जुगाड़ है क्या सर ए बी सी डी देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा लिखो ए से लेकर जेड तक लिखने की इच्छा हो तो कोई बात नहीं एक दो तीन चार कौन बड़ा है कौन बड़ा है सर डी बड़ा है ए छोटा है एबीसीडी में डी बड़ा है ए छोटा है अरे बाबा डी बड़ा है डिडेंडम बड़ा है, एडेंडम छोटा है खत्म 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 एग्जाम में आए कहानी ओके सर इज दैट क्लियर तो इसका मतलब है is greater than Now guys, look at this. आप थोड़ा ध्यान से अगर मेरे इस उंगली में देखोगे ध्यान से देखो, देखोगे तो यहां ना मैंने डिडेंडम बड़ा ही बनाया है। ये डिडेंडम मेरा बड़ा ही एडेंडम छोटा है ना मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया था एडेंडम छोटा है डिडेंडम बड़ा है अब दूसरी बात डिडेंडम बड़ा क्यों होता है वट इज द रीजन डिडेंडम बड़ा क्यों होता है अब आपके भी मन में आया होगा क्यों होता है भाई ओके okay, सर अभी बता देते हैं आपको सुनिएगा ध्यान से अगर मैं कहूं गियर का क्या होता है मोशन होता है अगर मैं कहूं गियर के टीथ का क्या होता है आपस में मोशन होता है गियर के टीथ का आपस में क्या होता है मोशन होता है तो माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस दिस इज द द एडेंडम दिस इज डिडेंडम ओके सर अगर ये गियर है जिस हाथ में घड़ी है वो क्या है गियर है और जिस हाथ में मेरा रिंग है वो क्या है पिनियन है सो दिस इज द ड्राइवर यस अब सुनो गियर का एडेंडम और गियर का डिडेंडम पिनियन का एडेंडम पिनियन का डिडेंडम यस और नो अब एक बार पिनियन का बना लिया जाए थोड़ा बहुत जरूरी है भाई बनाना मैं कह रहा हूं ना बहुत जरूरी है ठीक है चल सुनते रहना देखो पिनियन का मैंने यहां एडेंडम बनाया है पिनियन का यहां मैंने डिडेंडम बनाया है दिख रहा होगा ठीक है ना अब मैं क्या कर रहा हूं जाहिर सी बात है ये दोनों मैस करेगा देखो अब ये मैस कर रहा है बात ये उठी कि सर कहां तक मैस करेगा मैंने कहा कॉमन सेंस है यार सारा मैस करेगा तो चलो भाई मैस करते हैं तो सर सारा मैस कर दिए अब जब ही मैंने इसका एडेंडम इसके डिडेंडम पे पहुंचाया का एडेंडम गियर के डिडेंडम पे जब ही पहुंचाया गियर तो लॉक हो गया गियर तो इसका कॉर्नर काटना शुरू कर दिया बोलो हा या ना गियर तो इसका कॉर्नर पार्ट क्या करना शुरू कर दिया कट करना शुरू कर दिया मेरे बच्चे ध्यान से सुनना गियर ने इसका कॉर्नर पार्ट कट करना शुरू कर दिया गियर को पूरा का पूरा ऐसे चिपका के नहीं चला सकते तो हमारे दिमाग में आया क्या कि हमें गियर को चलाने के लिए एक क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा नाउ बच्चा लोग यू कैन सी दिस पहले ये यह यहां तक था यहां देखना ध्यान से तुम लोग तुम्हारा फोकस यहां होना चाहिए पहले ये यह यहां यहां तक पूरा चिपक गया था बट अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर क्लियरेंस क्या प्रोवाइड किए क्लियरेंस यू कैन सी दिस यहां हम क्या प्रोवाइड करेंगे क्लियरेंस इसका मतलब है इसका मतलब है कि ये डिडेंडम जो है ना डिडेंडम इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके अंदर हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते क्या प्रोवाइड करेंगे क्लियरेंस ठीक ना क्लियरेंस हम कितना दें अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से क्लियरेंस हम कितना दें क्वेश्चन सबके आता है सबके दिमाग में यार क्लियरेंस कितना देना चाहिए सुनिएगा मान लीजिए ऐसे नाउ लुक एट दिस गाइस दिस इज द क्लियरेंस एंड यही हमारा आगे चल के क्या बन गया दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट दिस इज द क्लियरेंस सर्किल ओके दिस इज द क्लियरेंस सर्किल ओके नाउ अब क्लियरेंस सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा जाहिर सी बात है इसको हम क्या कहेंगे बेटा इसको हम कहेंगे क्लियरेंस इसको हम क्या कहेंगे डियर दिस इज द्लियरेंस यस और नो ठीक है ना यस और नो जल्दी से जल्दी बताओ गाइस सेशन को लाइक करते रहो यार लाइक करना बिल्कुल मत छोड़ो ठीक है ना अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर लो नाउ गाइस क्लियरेंस सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या है क्लियरेंस ठीक है ना

मैंने कहा एडेंडम से तुम कितने बड़े हो कहता सर ये एक मॉड्यूल है मैं एक दशमलव एक पांच सात हूं तो मैंने कहा कितने बड़े हो तो ये कहता है कि मैं वन पॉइंट वन फाइव सेवन माइनस वन जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन मॉड्यूल बड़ा हूं ये कहता है मुझसे कि मैं इतना मॉड्यूल बड़ा हूं मैंने कहा बड़े होने की जरूरत नहीं है ये तुम इसलिए बड़े हो क्योंकि तुम क्या है तुम्हारे में क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारे में जुड़ा है क्लियरेंस हाई डियर फ्रेंड ठीक ना तुम्हारे में क्या जुड़ा है क्लियरेंस जुड़ा है तो डियर अगर आपसे कोई पूछता है डिडेंडम तो आप कहोगे डिडेंडम बड़ा क्यों क्योंकि डिडेंडम में क्लियरेंस जुड़ा हुआ है एडेंडम प्लस क्लियरेंस इज कॉल्ड डिडेंडम ध्यान रखिएगा इसीलिए डिडेंडम बड़ा होता है वाई डिडेंडम इज मोर बिकॉज एडेंडम प्लस क्लियरेंस दैट इज द डिडेंडम इज क्लियर इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर थैंक यू अक्षय इज दैट क्लियर ठीक है डन 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 तो सर अभी तक हमने कितने कितनी चीजें पढ़ ली अभी तक आपने कितनी चीजें पढ़ ली अच्छा क्लियरेंस को हम लोगों ने उंगली पे दिखाया चलो दिखाते सर दिस इज द्लियर देखो डिडेंडम सर्किल से जस्ट ऊपर एक सर्किल आएगी जिसका नाम होगा क्लियरेंस सर्किल डिडेंडम सर्किल से जस्ट ऊपर आएगी क्लियरेंस सर्किल सर आप इसको क्यों दिखा रहे हो बेटा अभी थोड़ी देर में तुमको इसी का हेल्प लेना है अच्छा ओके okay. तो ओपिनियन में भी थोड़ी सी कलाकारी कर ली जाए ठीक है ओके okay, डन इसको यहाँ से खींचते हैं दिस इज द पिस सर्किल थोड़ी देर देना मेरे को मैं पिस सर्किल खींच रहा हूँ अच्छा यहाँ से इसको खींचते हैं दिस इज क्लियरेंस सर्किल ओके डन ओके डियर सो अब हम खींचेंगे क्या जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड ये आपके लिए कर रहा हूं आपको समझ में आएगा एक ऐसा पॉइंट है ना गियर टर्नोलॉजी में जो इसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा आप रट्टा मार लोगे उसको रट्टा मत मारना अभी थोड़ी देर में वो आएगा ठीक है ना यू कैन सी दिस यू कैन सी दिस टॉप मोस्ट सर्किल एडेंडम सर्किल बॉटम मोस्ट सर्किल डिडेंडम सर्किल इन बिटवीन पिच सर्किल इन बिटवीन नहीं होता है दिस इज द इमेजिनरी सर्किल गियर आर जनरली स्पेसिफाइड बाय पिच सर्किल स होता है तो क्लियरेंस सर्किल से रूट सर्किल बोले तो डिडेंडम सर्किल के बीच के डिस्टेंस दैट इज क्लियरेंस नाउ उंगलियों में गिनते रहेना कितने हो रहे हैं सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल से. अब मैं आपसे पूछता हूं मेरी जनता जरा सुनिएगा मेरी जनता जरा सुनिएगा मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं कि गियर कितने डिस्टेंस में काम किया देखना तो क्या गियर इसका एडेंडम इसके डिडेंडम पे पहुंच जाएगा नहीं सर कभी ऐसा नहीं होगा क्लियरेंस देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा तो गियर कहां से कहां तक मैश होता है सर इतना मैश होता है पूरा मैश नहीं होगा इतना ही मैश होगा अच्छा जी सर तो भाई इतने दूर में गियर क्या करेगा इतने डिस्टेंस में गियर क्या करता है सर इतने डिस्टेंस में गियर क्या करता है वर्क करता है इतने डिस्टेंस में गियर टच होता है क्लियरेंस छोड़ के इतने डिस्टेंस में गियर टच होता है और गियर घूमना शुरू होता है जिसके कारण हमारा काम होता है सो तो, दिस इज वॉट इतने डिस्टेंस के कारण वर्क हुआ so this is the working depth this is what this is the working depth are you getting my point वर्किंग क्यों क्योंकि इतने के बीच में डिस्टेंस में गियर हमारा काम करता है गियर इतने ही डिस्टेंस में टच होता है और काम होता रहता है पावर ट्रांसमिट होता है ओके डन नाउ तभी तक मैं एक चिंटू भागता हुआ आया मैंने कहा क्या हुआ तुझे कहता है सर मैंने कहा क्या हुआ कहता है ये बताओ कि अगर यहां से लेकर यहां तक वर्किंग डेप्थ है तो पूरा क्या है पूरा मतलब बात समझे पूरा मतलब बात समझे तुम आ, पूरा मतलब ये इसके रूट से लेकर टॉप तक ये तो इतना तो वर्किंग डेप्थ है तो ये बता पूरा कितना है मैंने कहा पूरा बोले तो कहता पूरा बोले तो मैंने कहा पूरा बोले तो टोटल पूरा बोले तो टोटल डेप्थ मतलब उसने पूछ लिया पूरे पूरे गियर टीथ को क्या कहेंगे भैया ये है टोटल डेफ ठीक है ना तो जैसे आप लोग पढ़ते हो ना जैसे आप लोग पढ़ते हो गियर में एक प्रेशर एंगल तो थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग गियर में एक प्रेशर एंगल पढ़ते हो इस प्रेशर एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं फुल डेफ्थ अगर कोई बच्चा इससे पहले कभी पढ़ा होगा तो उसने पढ़ा होगा ट्वेंटी डिग्री फुल डेफ सिस्टम सुना है कभी सुना गियर के अंदर प्रेशर एंगल आगे पढ़ोगे उसमें एक वर्ड यूज़ करोगे डेप्थ ठीक है ना गियर पूरे डेप्थ का है यहां कटिंग वटिंग नहीं हुई है इसको हम कहते हैं फुल डेफ एक पढ़ते स्टबिंग वो आगे आएगा तो वो भी बताऊंगा वो आज नहीं आएगा वो एक कल आएगा कल हाँ कल आ जाएगा कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा ठीक है ना डेप्थ डेप्थ का मतलब क्या है पूरे के पूरे डेप्थ में टोटल डेप्थ में ठीक है ना सुना होगा तो आपको पता होगा ओके okay. ठीक है डियर अभी इसको हटाते तो दिस इज द टोटल डेथ दिस इज द वर्किंग अब होता क्या है अब जब भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है वॉट इज वर्किंग तो आप जानते हो क्या करते हो आप ये करते हो मैं आपको बताता हूं आपको टोटल डेप्थ माइनस क्लियरेंस दैट इज वर्किंग गलती हो गई ना हो गई ना गलती अच्छा एक बच्चा कहेगा इसी चीज को चेंज करके एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस अभी भाई एडेंडम प्लस डिडेंडम टोटल डेप्थ होता है एडेंडम प्लस डिडेंडम टोटल डेप्थ होता है और उसमें से माइनस क्लियरेंस तुम कौन सा नया फॉर्मूला जनरेट कर इज वर्किंग डेप्थ ये जो डिफिनेशन है ना इसका जो फॉर्मूला है ये आप लोग गलती करते हो और उसी के लिए मैंने ये बनाया है मैं आपको दिखाता हूं वर्किंग डेप्थ होता क्या वर्किंग डेप्थ को पहले दिमाग में चिपका लो क्लियरेंस से एडेंडम एडेंडम तक clearance circle से circle के बीच की डिस्टेंस क्या होती है वर्किंग डेप्थ होती है बोलो या ना यस और नो तो वर्किंग डेप्थ क्लियरेंस से वहां तक की डिस्टेंस एडेंडम सर्किल की ओके डियर यू कैन सी दिस यू कैन सी दिस सुनना मेरी बात थोड़ा ध्यान से ठीक है ना आई थिंक जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड देखो इतना इंतजार किए तो एक सेकेंड और कर लो तुम्हारा ही फायदा है चलो या अरे ना अरे बाबा सुनो 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 बस ध्यान से देखते रहो ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाने जा रहा हूं ध्यान से मैंने आपसे पूछा अब मैं आपसे पूछूंगा ध्यान से सुनना ठीक <coughs> है यही है हाँ पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच के डिस्टेंस क्या है तो आप कहोगे पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच के डिस्टेंस क्या है तो आप कहोगे सर दिस इज द एडेंडम दिस इज द एडेंडम यस और नो

पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या है सर दिस इज द एडेंडम ओके एडेंडम एडेंडम ऑफ़ ऑफ़ व्हाट सर गियर ओके पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या है सर दिस इज द एडेंडम एडेंडम ऑफ व्हाट सर एडेंडम ऑफ पिनियन ओके डन अब आओ मैश करते हैं देखो मैंने मैश कर दिया ठीक है सर वर्किंग डेप्थ क्या होता है Sir, clearance circle से addendum circle के Sir, clearance circle से addendum circle के के बीच बीच की की आप अपने उंगलियों पे अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो आपको क्लियरली आंखों से दिखाई देगा एडेंडम सर्किल से क्लियरेंस सर्किल के बीच के डिस्टेंस दिस इज वर्किंग डेप्थ बेटा जब अपन मैश कराएंगे तो इसका एडेंडम इसके क्लियरेंस सर्किल पे जाएगा ना कि डिडेंडम पे अगर डिडेंडम पे चला गया तो क्या हो जाएगा कटिंग करना शुरू कर देगा ठीक है ना तो क्लियरेंस पे जाएगा देख ध्यान से देखना ध्यान से देखना इस पिक्चर को क्लिक कर ले स्क्रीन शॉट ले ले बहुत फायदा मिलेगा ठीक है ना अब देखना ध्यान से इसका एडेंडम प्लस इसका एडेंडम अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो वर्किंग डेफ्थ बन के तैयार है देख ले ध्यान से। ये दोनों रेड लाइन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अगर नहीं दिख रहा ध्यान से देख ठीक है ना दिस ये वर, ये एडेंडम प्लस ये एडेंडम ये दोनों एडेंडम एक साथ ये दोनों एडेंडम जब एक साथ आ रहे हैं जुड़ रहे हैं तो क्या जनरेट हो रहा है देखो ध्यान से देखो ध्यान से ठीक है सो माई डियर फ्रेंड एक बार ध्यान से देख लो दिस इज द वर्किंग डेप्थ वट इज द वर्किंग डेप्थ ठीक है ना मोहम्मद इरफान आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ वहां सारा प्ले मिल जाएगा डोंट टेक टेंशन ठीक है ना मैंने वहां दे रखा है प्ले लो सी दिस ये देखो दिस इज द वर्किंग डेथ व्हाट इज द वर्किंग डेथ अगर आज के बाद कोई पूछता है व्हाट इज द वर्किंग डेथ एडेंडम ऑफ गियर प्लस एडेंडम पिनियन क्लियर क्लियर अब तुम कहोगे कि सर इसको एडेंडम पे क्यों तोड़ा मैं जानतू क्या कहूंगा मैं तुमसे बार बार एक ही चीज कहूंगा कि बेटा एडेंडम एक मॉड्यूल होता है वर्किंग डेप्थ समझ में आया एक बार जल्दी से जल्दी बता दो वर्किंग डेप्थ समझ में आया एक बार कमेंट करके बता दो वर्किंग डेप्थ समझ में आया कि नहीं आया बवाल मचा दो एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दो मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है चलो अब मैं आपको थोड़ा सा थ्री में लेकर चलता हूं थ्री में अरे अब थ्री में चलो अब और मजा आएगा वर्किंग डेप समझ में आ गया टोटल डेप तो कोई बात ही नहीं एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा एक बार कमेंट करके बता दो तुम लोग तुमको आ गया ना समझ में बिल्कुल 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 वेरी गुड वेरी गुड चलो तो अगर वर्किंग डेट समझ में आ गया मेरे इस उंगलियों का कमाल अगर आपको समझ में आ गया तो सेशन को लाइक कर दो तुरंत तुरंत समझ में आ गया सेशन को लाइक कर दो मेरे बच्चों ठीक है चलो चलिए आगे चलते हैं, तो बच्चा लोग अब मैं जा रहा हूं थ्री डायग्राम, थ्री डी डायग्राम बना दिस इज द टू डी ये टू डी है जी सर अब थ्री डी में समझाने जा रहा हूं देखना ध्यान से थ्री डी देखते रहना ध्यान सो दिस इज द थ्री डी डायग्राम ऑफ गियर टीथ ये गियर टीथ का थ्री डी डायग्राम है इसको पूरा फोकस से ध्यान से देखो दिस इज द थ्री डी डायग्राम ऑफ गियर टीथ अब इसके अंदर थोड़ी सी बात हो जाए फिर उसके बाद आप लोग अब बाकी के पूरी चीजें आप 10 मिनट में उड़ा दोगे मैं गारंटी दे रहा हूं मैं गारंटी दे रहा हूं आप बस एक बार देखते जाओ अभी एक बार थ्री डी डायग्राम मेरे को यही सारी चीजें बता दो सभी लोग कमेंट करके बताते रहेंगे ध्यान से। हाँ ये क्या है तो अगर कहीं भी दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा ये क्या है सर, दिस सर्किल सर्किल इज डिडेंडम सर्किल ये सर्किल क्या है तो कहोगे एडेंडम सर्किल ये सर्किल क्या है तो आप कहोगे दिस इज द पिच सर्किल ओके पिस् सर्किल से ऊपर की डिस्टेंस सर दिस इज द एडेंडम पिछ सर्किल से नीचे सर दिस इज द डिडेंडम फिर आप कहोगे कि ये कौन सी सर्किल है तो so, मैं आपसे कहूंगा दिस इज द क्लियरेंस सर्किल दिस इज द क्लियरेंस सर्किल अच्छा क्लियरेंस सर्किल से डिडेंडम की डिस्टेंस सर दिस इज द क्लियरेंस ओके नाउ अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ एडेंडम सर्किल से एडेंडम सर्किल से क्लियरेंस सर्किल के बीच की डिस्टेंस और एडेंडम सर्किल से पूरा डिस्टेंस तो आप बताओगे मेरे को दो चीजें ये कहोगे कि ये वर्किंग डेप्थ है ये है टोटल डेप्थ यस और नो जल्दी से जल्दी बता दो हाँ या ना ठीक है ना आप यही कहोगे बिल्कुल कहोगे थोड़ा सा यहां मत बनाओ थोड़ा सा यहाँ कुछ और सिखाना है आपको ठीक है ना मैंने आपसे कहा कि अगर एडेंडम सर्किल से क्लियरेंस और एडेंडम सर्किल से टोटल होगा तो आप मेरे को कहोगे सर दिस इज ओके नाउ अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चे ध्यान से सुनना आ, ये ऊपर वाला ये क्या है ये गियर का ये टॉप मोस्ट सिरा ये क्या है ये जो आपको दिख रहा दिस इज व्हाट ये क्या है उत्कर्ष यादव कह रहे हैं बेस सर्किल कहां है सर बेटा बेस सर्किल सीखना है वेट करो बेस सर्किल का समय आएगा तभी सीखोगे ठीक है ना मतलब सीखो यहाँ सब आए ठीक है रूट सर्किल के बाद सर्किल भी देखना होगा मन कर रहा होगा मेरे को पता है बट वेट प्लीज वेट ये क्या है सर दिस इज द टॉप लैंड ये वही चीज है टॉप लैंड ओके ऊपरी जमीन ऊपरी सतह एंड ये क्या है सर ये चौड़ाई होती है फेस व्यर्थ दिस इज द बी ये बी क्या होता है डियर सर बी इज फेस अब तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा इसको फेस व्यर्थ क्यों कहते हैं तो मैं आपको एक और जुगाड़ दे देता हूं सुन लो ध्यान से मैं एक और चीज आपको बता देता हूं फेस व्यथ क्यों कहते हैं अभी थोड़ा ध्यान से देखना ये क्या जा रहा है सर दिस इज़ द पिच सर्किल ओके पिच सर्किल से अगर मैं पीछे की ओर लाइन खींचू जैसे पिच सर्किल का ये पॉइंट यहां से अगर मैं पीछे की ओर लाइन खींचू प्रोफाइल में पीछे की ओर समझना जैसे ये पिच सर्किल था तो पिच सर्किल में साइड में चले जाओ ठीक ना इस साइड ये सामने फ्रंट है इस साइड चले जाओ यहां से एक लाइन खींचू तो ऊपरी सतह कहलाता है फेस और नीचे वाला कहलाता है फ्लैंक ठीक है डियर यू कैन सी दिस ये वाला जो पार्ट है जो हिस्सा है ये क्या है सर दिस इज पेस ओके डियर और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है तो आप कहोगे सर दिस इज प्लैंक ये क्या है फ्लैंक और ये क्या है फेस ओके दिस इज द फेस एंड दिस इज द फ्लैंक माय पॉइंट मेरी बात समझे ओके डन अब गियर का सबसे कोना हिस्सा ध्यान से देखते रहे ना ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो गियर जब यहां से ऐसे आता है और फिर सीधे जाता है फिर तीत होता है अगला देखो गियर ऐसे आया यहां से फिर एक अगला टीच हो गया थोड़ी देर बाद इस हिस्से को हम लोग कहते हैं फिलेट यहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए यहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए सर आपके टोन का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा अरे यार थोड़ी देर पहले बताया आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल में मिल रहा है अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है वहां भी ढूंढ लो और नहीं मिल रहा तो मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा यार क्यों परेशान हो पढ़ाई करो ना यार पढ़ाई करना है कि प्लेलिस्ट लेना है

फिलेट किस लिए खींचते हैं सर फिलेट इसलिए खींची जाती है फिलेट रेडियस इसलिए दिया जाता है फिलेट का मतलब क्या होता है समझ में आया कि कोई भी कॉर्नर कॉर्नर ना रहे वो ऐसा हो जाए समझे बात वो एक फिलेट में आ जाए इससे क्या होता है स्ट्रेस का कंसंट्रेशन नहीं होता सिस्टम में इससे सिस्टम में स्ट्रेस का कंसंट्रेशन नहीं होता ठीक ना फिलेट के अंदर स्ट्रेस का कंसंट्रेशन नहीं होता अगर फिलेट अगर यूज करते हो आप तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है ना फिलेट यूज करने से तो गियर के टीथ की जब कटिंग करते हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि फिलेट लगाए ठीक है ना हम लोग ऐसे ऐसे ना करके ये पूरा ऐसे ना करके इसकी मटेरियल को ऐसे कट करें रेडियल में कट करें सर्किल में कट करें ठीक ना ये ना कट करो यहां करोगे ऐसे कट करोगे सीधा ऐसे फिर ऐसे तो गियर में स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होगा गियर का टी टूट जाएगा इज दैट क्लियर बच्चा लोग बच्चा लोग क्लियर है अगर क्लियर है तो लाइक like बटन ठोक दोगे ठीक है ना सभी लोग लाइक like बटन ठोक दोगे ठीक <coughs> है और आप लोग के प्लेलिस्ट का टेंशन मैं खत्म करना चाहता हूं मैं भरोसा करो मैं अभी दो से तीन दिन के अंदर आप लोगों को ऐसी चीज देने वाला हूं आप बस उस लिंक को क्लिक करना आपको सब मिल जाएगा मैं गारंटी दे रहा हूं मेरी जो जो क्लास आपने पढ़ी है या आपको पढ़ना है जो आपको पढ़ना जरूरी है या जितने भी मेरे नोट्स हैं आप उस लिंक को क्लिक करोगे आपको सब मिल जाएगा मैं गारंटी दे रहा हूं बस दो से तीन दिन का इंतजार करो ठीक है ना मेरे को दे दो समय दो से तीन दिन का आपको सब मिल जाएगा काम प्रोसेस पे है ध्यान से ठीक है इज क्लियर तो फिलेट वर्ड देख लो ध्यान से जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जिसमें जीरो डन दिस इज द फेस दिस इज दिस इज द फिलेट ओके डन सर नाउ आगे चले आगे चले जी सर आगे देखते हैं बेटा ये देखो एक टीथ पे अगर हम बात करें तो पिस सर्किल के ऊपर बात करते हैं दिस इज व्हाट दिस इज सर्किल अगर मैं यहां से यहां तक को पूछूं कि ये डिस्टेंस क्या है तो आप कहोगे कि रेट किसी टीथ का थिकनेस है क्या है ये, ये क्या है टूथ का थिकनेस है सर सी माई डाउट उत्कर्ष जीरो कंसंट्रेशन पॉसिबल है क्या फिलेट देने से बेटा जीरो कंसंट्रेशन का मतलब है देर इज अ वेरी मिनिमम चलो भैया जीरो नहीं लिखना इनको भैया जीरो कहने का मतलब था स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ऐसे खत्म नहीं होता डियर मिनिमम किया जा सकता है जीरो नहीं होता ठीक है ना स्ट्रेस जीरो नहीं होता कभी भी ध्यान रखिएगा सिस्टम मूव कर रहा है है स्ट्रेस स्ट्रेस जीरो नहीं होता ठीक का कंसंट्रेशन भी जीरो नहीं होता मिनिमम हो जाता मेरा कहने का मतलब ध्यान रखिएगा ओके दिस दिस इज इज द टू थिकनेस यस सर नाउ यहां से लेकर अगले टीथ के पिच सर्किल के बीच के डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी सर दिस इज द टूथ स्पेस ये क्या है टूथ स्पेस अब मैं आपको थोड़ा फील कराता हूं मैं यहां आ रहा हूं उंगलियां लेकर देखो आपको ये दिख रहा है जी सर दिख रहा है ये क्या है तो आप कहोगे सर दिस इज द पिच सर्किल मैंने कहा गुड मैंने कहा ये बताओ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस क्या है तो आप कहोगे कि सर ये मोटाई है आपके टीथ की ये क्या है ये मोटाई है आपके टीथ की अच्छा जी सर अच्छा यहां से लेकर अगले पिच सर्किल जैसे मान लो अगले टीथ का पिच सर्किल अगले टीथ का पिच सर्किल ये है, जी सर इस पिच सर्किल से लेकर अगले टीथ के पिच सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या है आप कहोगे सर ये ये स्पेस है ये खाली स्थान है मैंने कहा स्पेस क्यों रखे होता है सर दूसरा टीथ घुस सके दूसरे गियर का टीथ आए और इसके अंदर इंटर कर सके इसलिए तो स्पेस इस रखे जी सर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मेरे बच्चे थिकनेस बड़ा की स्पेस टूथ का थिकनेस बड़ा होता है कि टूथ की स्पेस बड़ी होती है मेरा आंसर करिएगा। या फिलेट कर्व सरफेस होता है बेटा, कर्व होता, है। सर्कुलर फिलेट होता है ना? तो मेरा क्वेश्चन है आपका टूथ थिकनेस बड़ा कि टूथ स्पेस बड़ा टूथ थिकनेस बड़ा कि टूथ स्पेस बड़ा इस फिगर को मत देखिए आप बताइए मुझे <coughs> थिकनेस बड़ा अगर थिकनेस बड़ा होगा स्पेस छोटा होगा तो अगला टीथ ऐसे इंटर करेगा मान लो नहीं कर पाए तो हम लोग इस डर से हमेशा स्पेस को ज्यादा रखते हैं थिकनेस को थोड़ा कम रखते हैं ठीक है ना इतना भी ज्यादा इतना भी कम नहीं कि तुम्हें सब कुछ आंखों से दिखाई देगा कि ज्यादा स्पेस है इतना थिकनेस ऐसा नहीं होता एम एम में बात होती है डियर ध्यान रखना ठीक है ना ताकि दूसरा गियर का टीथ एकदम आकर आराम से मैश हो सके तो थोड़ा सा इस चीज को हम लोग क्लियरेंस के लिए रूप में देते हैं तो यू कैन सी दिस टूथ स्पेस थोड़ा सा बड़ा होता है इस फिगर को मत देखो इस फिगर में देखोगे तो ये बड़ा रहा है ऐसे मत सोचो स्पेस कॉमन सेंस है स्पेस बड़ा ही होगा <coughs> ठीक है ना स्पेस बड़ा होगा थिकनेस छोटा होगा ध्यान रखना अच्छा जी सर अब सुनो मेरी बात अगर मैं तुमसे कहूं मेरे बच्चे अगर मैं तुमसे कहूं कि टूथ थिकनेस प्लस टूथ स्पेस इस पॉइंट से लेकर दिस इज द पॉइंट ए इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी ए बी क्या है टूथ थिकनेस बी सी क्या है टूथ स्पेस अब मैं आपसे पूछू ए से, से लेकर सी तक की टोटल डिस्टेंस क्या कहलाई व टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी क्या कहलाई तो आप कहोगे मुझे ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी आया ना तो मैंने तो आपको बता दिया ए बी क्या है टूथ थिकनेस बी सी क्या है स्पेस है तो आप कहोगे ऐसी क्या कहोगे सर्कुलर पिच क्या कहोगे मुझे सर ये यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या कहलाई सर ये टोटल डिस्टेंस कहलाई सर्कुलर पिच अब कुछ बच्चे खड़े हो जाएंगे कहेंगे सर सर्कुलर पिच तो पाई डी टी होता है हमने तो किताब में पढ़ा है बेटा एक बार आई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ध्यान से स्पेस 20 था थिकनेस 12 था और क्वेश्चन पूछा था वॉट इज सर्कुलर पिच बच्चे ढूंढते रह गए इस फॉर्मूले में लगाने के लिए टिक टीत नंबर ऑफ टीथ और नंबर ऑफ कितना डाया कितना है ठीक है ना ये सब ढूंढते रह गए सर्कुलर पिच का ये फॉर्मूला बहुत फेमस है लेकिन सर्कुलर पिच और भी क्या होता है टूथ टू स्पेस दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल के आता है सर्कुलर पिच अभी मैं उसको डिफाइन करूंगा टेंशन ठीक है इतनी बात क्लियर है एक बार जल्दी से जल्दी बता दो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बता दो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो क्लियर है क्लियर है एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं ठीक है अरे वाह पचास लाइक हो गए थैंक यू डियर थैंक यू गाइस थैंक यू, यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फिफ्टी लाइक हो चुके हैं हमारे ठीक है ना यू कैन सी दिस तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई धीरे धीरे सब क्लियर हो रहा है अभी सब क्लियर हो जाएगा टेंशन ना लो दिस इज द सर्कुलर पिच ओके डन चलो अब एक एक करके मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं क्या होता है देखते रहना ठीक है अब आपके लिए स्टार्ट पिच सर्किल

ट पिस्ट सर्किल पिस्ट सर्किल की पूरी कहानी क्लियर है सबको जल्दी से जल्दी बता दो ठीक है ना दिस इज दि सर्किल दिस इज एडेंडम दिस इज डिडम क्लियर है ये एक इमेजिनरी सर्किल होता है वो लिखा ही है इमेजिनरी सर्किल होता है यस ऑर नो गियर को जनरली स्पेसिफाई किया जाता है इस सर्किल से यस ऑर नो ठीक है ना अच्छा फिर उसके बाद आता है एडेंडम सर्किल एडेंडम सर्किल इज द आउटर मोस्ट मैंने आपको क्या सिखाया था एडेंडम सर्किल इज द टॉप मोस्ट सर्किल आउटर मोस्ट प्रोफाइल सर्किल ऑफ गियर इज दट क्लियर ये लाइन सबका क्लियर है एडेंडम क्या है अब एडेंडम सर्किल तो सब लोग सीख गए दिस इज द टॉप मोस्ट सर्किल टॉप मोस्ट सर्किल ओके ऑल्सो कॉल्ड एडेंडम सर्किल ना अब यही एक और वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है वट इज एडेंडम एडेंडम क्या है सर दिस इज द रेडियल डिस्टेंस अच्छा इसको रेडियल डिस्टेंस क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं इसको रेडियल डिस्टेंस अभी बताता हूं ठीक ना पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच के डिस्टेंस क्या कहलाता है डियर एडेंडम ये क्या कहलाता है एडेंडम पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है एडेंडम अब इसको रेडियल डिस्टेंस क्यों कहते हैं मेरा पहला क्वेश्चन यह है उत्कर्ष कह रहे सर जी इसमें बेस सर्किल बताइए बेटा आप जा सकते हैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा सुनना हो तो ठीक है ठीक ना बीच में परेशान मत करिए बेस सर्किल के बाद बात में की जाएगी वेट कर लो ठीक ना ये हमारा एडपीस सर्किल है ये हमारा टॉप मोस्ट सर्किल है पीस सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच के डिस्टेंस क्या है डियर एडेंडम यू कैन सी दिस अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग इसको रेडियल डिस्टेंस क्यों कहते हैं वाई दिस इज कॉल्ड रेडियल डिस्टेंस थोड़ा ध्यान से देखोगे गी। ये गियर का सेंटर है ये गियर का सेंटर है यस yes. ठीक ना थोड़ा सा इसको सर्कुलर बना ये गियर का सर्किल है दिस इज द डिडेंडम सर्किल दिस इज द एडेंडम सर्किल ओके एंड व्हाट इज दिस सर दिस इज द पिच सर्किल ओके सी दिस गाइस अगर मैं यहां से यहां तक का लाइन खींचूं और आपसे पूछूं ये क्या है तो आप मुझे कहोगे कि सर दिस इज द रेडियस ऑफ पिच सर्किल और दूसरे भाषा में दिस इज दिच सर्किल रेडियस आर क्या है रेडियस ओके okay. मैं आपसे पूछता हूं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है तो आप कहोगे कि सर दिस इज द भैया टॉप मोस्ट सर्किल क्या है एटेंडम सर्किल सर दिस इज द एडेंडम सर्किल रेडियस दिस इज द आर ए आर ए क्या है एडेंडम सर्किल रेडियस ओके सीधे बच्चा लोग सीधे 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 ठीक है ना सर ये अरे बाबा ठीक है ना पीस सर्किल रेडियस दिस इज द एडेंडम सर्किल रेडियस पेस सर्किल रेडियस एडेंडम सर्किल रेडियस नाउ अब सुनना मेरी बात ध्यान से ये रेडियल डिस्टेंस है हाँ या ना अब इसी रेडियल में अगर मैं बात करना चाहूं इसी रेडियल में बात करना चाहूं ये डिस्टेंस क्या होगा कोई बताएगा मुझे ये डिस्टेंस क्या है कमेंट बॉक्स में भर दो ये डिस्टेंस क्या है सर दिस इज व्हाट दिस इज द एडेंडम ठीक है ना ये क्या आइडिया दिस इज द एडेंडम सो पिच सर्किल प्लस एडेंडम पिच सर्किल रेडियस प्लस एडेंडम कर दें तो क्या पता चल जाएगा आर ए व्हाट इज द रेडियस ऑफ एडेंडम पिच सर्किल रेडियस प्लस एडेंडम आर यू गेटिंग माय पॉइंट देखो ध्यान से यस और नो रेडियस प्लस एडेंडम दैट इज द एडेंडम सर्किल रेडियस ठीक है तो माय डियर फ्रेंड यू कैन सीडम पिस् सर्किल दिस इज दर्किल अब यहां लाइन बोल रहे हैं क्लियर इसलिए वो रेडियल डिस्टेंस लिखा है पिस सर्किल टू द एडेंडम सर्किल पिस्ट सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच की रेडियल डिस्टेंस दैट इज एडेंडम आपको ये वाला टर्म बहुत काम में आएगा आगे अभी ठीक है ना ये बहुत काम में आएगा आगे फिर बात आती है डिडेंडम सर्किल की डिडेंडम सर्किल इज द इनर मोस्ट प्रोफाइल सर्किल ठीक है ना यू कैन सी डिडेंडम सर्किल इज द मोस्ट मतलब ये वाला पार्ट होता है हमारा क्या the... दिस इज डिडेंडम सर्किल the... दिस इज द डिडेंडम सर्किल दिस the... इज वॉट दिस इज दिच सर्किल ओके okay. और पिच सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस पिच सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है क्या कहलाती है डिडेंडम पिच सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है डिडेंडम कहलाती है आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर है पिस सर्किल से डिडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है डिडेंडम कहलाती पिस सर्किल सर्किल. करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं रेडियल डिस्टेंस वर्ड जरूरी है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इसको ध्यान रखो ठीक है चलो क्लियरेंस क्लियरेंस इज ऑल्सो रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ द बॉटम ऑफ द टूथ भैया इसका टॉप और इसका बॉटम इसके बीच का गैप क्या है क्लियरेंस ठीक है तो दिस इज द डिडेंडम सर्किल दिस इज द सॉरी ये डिडेंडम दॉरी क्लियरेंस क्लियरेंस सर्किल डिडेंडम सर्किल इसके बीच का डिस्टेंस क्लियरेंस ठीक है इज दैट क्लियर ठीक है ना चलो हाँ जरा इसको समझना बच्चा लोग बैकलेस जरा बैकलेस समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता होता है है तो मैं आपको backless? Backless है आपको मैं आपको आपको समझाना जो बेटा अगर बताना एट पिच सर्किल ये लाइन थोड़ा समझना टेंजेंशियल स्पेस ना बिटवीन टीथ ऑफ मेटिंग गियर एट पिच सर्किल अब होता क्या है थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा सुनिएगा बैकलेस के बारे में सुन लीजिएगा एक लाइन एक इसमें बहुत फेमस है बैकलेस में टू प्रिवेंट जैमिंग कंडीशन ऑफ गियर बैकलेस इज यूज बैकलेस के लिए यूज किया जाता है ताकि हम जाम होने की कंडीशन से बचा सके मेरे बच्चों ध्यान सुनिएगा ठीक है नाउ टू प्रिवेंट द जैमिंग कंडीशन ऑफ गियर यू कैन सी दिस अगर बात करना चाहूं यू कैन सी दिस बैकलेस टीथ चल रहा है घूम रहा है मजे से तरीके से रोटेट कर रहा है जी सर बिल्कुल रोटेट कर रहा है मजेदार तरीके से गियर रोटेट कर रहा है टीथ मस्त तरीके से घूम रहा है ठीक है ध्यान रखिए अब मैं आपसे बस ये कहूंगा कि जब ये पिच सर्किल पर ये क्या है दिस इज द पिच सर्किल एक गियर दूसरे गियर से जब पिच सर्किल पे टच होता है यहां एक टेंजेंट बनता है ठीक है ना ये क्या है डियर दिस इज द दिस इज टेंजेंट ये क्या है टेंजेंट लाइन है जिसके ऊपर गियर क्या होता है रब करता है अच्छा सुनिएगा मेरी बात अगर मैं स्पेस ज्यादा ना रखू अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था थिकनेस के स्पेस स्पेस हमेशा ज्यादा रखा जाता है अगर स्पेस इतना ज्यादा नहीं रहा कि गियर आके ऐसे चिपक गया ठीक है ना मान लीजिए गियर सेट हो गया ऐसे फिक्स हो गया और इसके बाद अगर ये चल रहा है एकदम टच होके तो भाई गियर कैसा है सर गियर मेटल का बना है पिनियन कैसा है सर पिनियन भी मेटल का बना है जब दो मेटल आपस में बार बार रब करेंगे तो उनके बीच में होगा उनके बीच में होगा हीट का जनरेशन उनके बीच में होगा हीट का जनरेशन जिसके कारण क्या होगा दोनों मेटल आपस में पिघलना शुरू होंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ज्वाइंट हो जाएंगे चिपक जाएंगे बोलो हा ठीक है ना आपने प्रोडक्शन में एक वर्ड सुना होगा बिल्ट अप एज सुना है वो यहां होना शुरू हो जाएगा इसलिए स्पेस थोड़ी ज्यादा रखते हैं स्पेस ज्यादा टेंजेंशियल स्पेस थोड़ी ज्यादा रखते हैं टेंजेंशियल वर्ड मतलब ये वाला पार्ट जो है ना टेंजेंशियल वर्ड मतलब इसके टच वाला पार्ट इससे स्पेस इस थोड़ा ज्यादा रखते हैं ठीक है ना इससे थोड़ा स्पेस इस ज्यादा रखते हैं इससे क्या होता है ना गियर आया टच किया फिर चला गया इनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है ना आप किसी भी गियर के मैशिंग में देखोगे प्रॉपर स्पेसिंग है तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको वही बताना चाहूंगा टेंजेंशियल स्पेस ज्यादा रखने की वजह से यह वाला पॉइंट थोड़ा आप लोग ध्यान से नोट करिएगा टेंजेंशियल स्पेस ज्यादा रखने से बैकलेस मतलब टेंजेंशियल स्पेस ज्यादा रखने से जाम के कंडीशन से बचा जा सकता है गियर जाम हो जाएगा उस कंडीशन से बचा जा सकता है उसी को हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं समझ में आया इज दैट क्लियर एक बार बता दो एक बार बता दो देखो जब तक आज टर्मिनोलॉजी पूरा खत्म नहीं होगा तब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी ध्यान रखना टू प्रिवेंट द जैमिंग कंडीशन वो क्या बन गया बैकलेस आर यू गेटिंग माय पॉइंट एक बार बता दो मेरी बात क्लियर है मेरी बात क्लियर है बैकलेस नाउ डेप्थ के बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं फुल डेप्थ इज द डिडेंडम एड फुल डेप्थ क्या होता है यहां से यहां तक का अभी अभी थो थोड़ी देर पहले कि 20 डिग्री फुल डेप्थ इन वोल्यूड सिस्टम ऐसे प्रेशर एंगल का नाम आएगा डेप्थ का मतलब होता है टोटल डेप्थ ये क्या होता है ये डिस्टेंस क्या है सर दिस डिस्टेंस इज एडेंडम एंड दिस इज व्हाट दिस इज द डिडेंडम तो एडेंडम और डिडेंडम का जब सम करते हैं एडेंडम प्लस डिडेंडम करते हैं तो क्या निकल के आता है दिस इज द टोटल डेप्थ क्या निकल के आता है टोटल डेप्थ आर यू गेटिंग फेस विज देंथ ऑफ टूथ पैरल टू द एक्सेस यू कैन सी दिस इज दिस इज वट दिस इज वट सर दिस इज द फेस विथ ओके आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहां दिखाया यू कैन सी दिस व्हाट इज दिस इज द फेस विथ ओके this part now face width this is a face width and why this is called face width because the upper more part is called face and this width is called face width okay bottom most part is what flank taking a face care the tooth is parallel to the axis what is the meaning tooth parallel to the axis this is the center of the gear okay so what is the axis of the gear so the axis of the gear is this okay and this is the parallel to the axis is that clear Chalo. now yeah diametral pitch diametral pitch se pehle uh, module ko samjhenge just a bit. then circular pitch okay just a wait first of all putting padhenge module what is the module what is the module module is nothing but it is the inverse of diametral pitch okay what is the inverse of diametral pitch sir first thing is module you can see this module is nothing but this is the ratio of the diameter to the teeth what is the diameter sir module pitch circle diameter this circle diameter gear are generally specified by what surface circle diameter Pitch circle is what surface circle is the imaginary circle सो टू द नंबर ऑफ टी ओके माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस वेन वी डिजाइन द गियर वेन वी डिजाइन द गियर वी कैन डिजाइन द मॉड्यूल ओके ना यू कैन सी दिस फर्स्ट वी कैन फाइंड द मॉड्यूल देन वी कैन डिजाइन द गियर लुइस ने अपने गियर डिजाइनिंग में यही चीज सिखाई हमें कि पहले सुनिएगा ध्यान से सबसे पहले गियर को डिजाइन करना है तो मॉड्यूल निकाल आपको पता है क्यों वाई बिकॉज वेन वेन द टू गियर आर मैशिंग और मेटिंग ओके एंड दे गेट पावर ट्रांसमिशन ओके ठीक है ना जहां से पावर ट्रांसमिशन मिल रहा है सो बोथ गियर हैव द बोथ गियर हैव सेम मॉड्यूल ओके तब दो गियर आपस में मैश होकर चल रहे हैं लेट अस सपोज लेट सी दिस यहां सी दिस थिंग

एंड रोटेट ठीक ना ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मैश होकर मोशन कर रहे हैं सो द सेम मॉड्यूल ओके ना मॉड्यूल क्या है दिस इज देश ऑन डिजाइन ऑफ गियर इससे हम क्या करते हैं गियर को डिजाइन करते हैं मॉड्यूल से ठीक है ना वट इज द डायमेट्रल पिच एंड वट इज द सर्कुलर पिच फर्स्ट थिंग व्हाट इज द सर्कुलर पिच We know this circular pitch. We know this circular pitch. Circular pitch is the space in pitch circle used by each teeth. You can see this. Tooth thickness. This is what? This is the pitch circle. Okay. This is what? And this is what? You can see this. दिस इज द टूथ थिकनेस एंड दिस इज टूथ स्पेस दिस इज द टूथ थिकनेस, टूथ स्पेस। ओके, नाउ यू कैन सी दिस द सम ऑफ द टूथ थिकनेस एंड टूथ स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? सर्कुलर पिच दिस इज द सर्कुलर पिच। ओके नाउ अनदर वर्ड्स, दूसरे भाषा में अगर हम बात करूं वट इज द सर्कुलर पिच सर पाई डी बाई टी ओके वट इज द सर्कुलर पिच पाई इंटू पिच सर्किल डाया मीटर अपॉन टी ओके पिच सर्किल डाया मॉड्यूल इज पिच सर्किल डाया टू द टी ओके सर्कुलर पिच इज पाई डी बाई टी पाई ऑफ डी फॉर पिच सर्किल डाया टी फॉर नंबर ऑफ टीथ यू कैन सी दिस दिस इज द सर्कुलर पिच वट इज डी बाई

आपको चीजें फील हो रही हैं आपको चीजें फील हो रही हैं एक बार कमेंट करके बता दो मजा आ रहा है आपको फील हो रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है आपको मजा आ रहा है यस और आपको जितनी गियर आपको पढ़ाई जा रही है क्या चल रहा है आपको मजा आ रहा है एक बार बता दो फील हो रहा है फील हो रहा है ठीक है ना अब बात करते हैं बेटा डायमेट्रल पिच की डायमेट्रल पिच इज द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट डायमिट number of teeth per unit diameter you can see this diametral pitch is number of teeth to the diameter of pitch circle diameter number of teeth pitch circle diameter pitch circle diameter okay this is the diametral pitch Ah. Uh, पर यूनिट डाया में देखा गया नंबर ऑफ टीथ दैट इज पिच सर्किल एस दिस इज डायमेट्रल पिच ओके इफ द डायमेट्रल पिच इज टी बाई डी सो द मॉड्यूल इज व्हाट डी बाई टी तो दिस इज आल्सो व्हाट वन अपॉन डायमेट्रल पिच मॉड्यूल इज आल्सो व्हाट वन अपॉन डायमेट्रल पिच ओके मॉड्यूल को वन अपॉन डायमेट्रल पिच बोला तो दिस अपॉन डायमेट्रल पिच यस और नो यस सर Circular pitch is pi upon diametral pitch. You can see this. Circular pitch is pi upon diametral pitch. So, the product of circular pitch and diametral pitch is what? Sir, pi. The product of circular pitch and diametral pitch is what? Sir, this is pi. Is that clear? Is that clear? क्लियर 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 नाउ यू कैन सी दिस द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमेट्रल पिच मॉड्यूल एंड डायमेट्रल पिचेट्रल पिचेज वन गेटिंग क्लियर ना देखो एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्लियर है क्लियर है क्लियर है अब देखो पिच क्यों लिया गया तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा वाई डायमेट्रल पिच वाई सर्कुलर पिच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूल क्या है मतलब समझ नहीं आ रहा क्यों ले रहे हो बेटा टर्मिनोलॉजी अब जरा ध्यान से देखो आप जब थ्रेडिंग पढ़ते हो थ्रेड पावर स्क्रू पढ़ते हो ना यस सर थ्रेड पढ़ते हो यस सर थ्रेड में आपको क्या पढ़ाया जाता है पिच पढ़ाया जाता है यस सर आप जब कोई भी चीज पढ़ते हो स्प्रिंग पढ़ते हो जी सर आपको क्या पढ़ाया जाता है पिच पढ़ाया जाता है आपको पढ़ाया जाता है सॉरी स्प्रिंग में आपको मीन डाया पढ़ाया जाता है कॉयल डाया पढ़ाया जाता है ये सब वर्ड क्या है ये सब टर्मिनोलॉजी है पिच इज ऑल्सो टर्मिनोलॉजी और गियर में दो टाइप का टर्मिनोलॉजी है एक सर्कुलर पिच है जो गियर के सर्किल पे वर्क करता है, एक है, जो में करता है। कि इतने डायमीटर में कितने टीथ है ठीक है ये सारी चीजें तो काउंट करते हैं दिस इज द डायमेट्रल पिच सर्कुलर पिच ये सब चीजें देखी जाती है इससे हमारा गियर में डिजाइन करना आसान होता है ठीक है चलिए तो एक बार अपना सारा चीज यहां क्लियर कर लिया जाए फिर आगे और बढ़ते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई मेरे भाई कहानी खत्म नहीं हुई मेरे भाई अभी जाने का नहीं अभी बहुत सारी चीजें लेकिन अभी जाने का नहीं अभी बहुत सारी चीजें वहां एक बार अपने आप को थोड़ा सा यहां घिस लेते आइए 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 देखते दिस इज वॉट ये ग्रीन कलर का लाइन क्या है सब दिसम सर्किल ये सबसे लास्ट लाइन क्या है सर दिस इज द डिडेंडम सर्किल जो होता जाएगा अपन उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे एडेंडम सर्किल। सर्किल। ओके डन एंड दिस दिस इज व्हाट इज द पिच बीच बीचो बीच वाला लाइन बीचो बीच तो नहीं होता ठीक ना फिर उसके बाद अपन के पास क्या है क्लियरेंस सर्किल देखिए ध्यान से ये ब्लू कलर का लाइन क्लियरेंस क्लियरेंस सर्किल से एडेंडम सर्किल के बीच की डिस्टेंस वर्किंग डेप्थ टोटल डिस्टेंस होल डेप्थ फुल डेप्थ टोटल डेप्थ कुछ भी पिच सर्किल से एडेंडम सर्किल का डिस्टेंस एडेंडम पिच सर्किल से डेडेंडम सर्किल का डिस्टेंडम ओके डेडेंडम सर्किल और इसके बीच की डिस्टेंस क्लियरेंस ओके डन दिस इज द टॉप लैंड दिस इज द फेस विथ यहां से एक लाइन खींचा अपर वाला पार्ट यहां से एक लाइन खींचा ऊपर फेस नीचे फ्लैंक ओके okay. This is the top land. Yeah, this is the bottom land. This is the bottom land. Okay, done. Now, circular pitch is what? Sir, tooth thickness and tooth space. This is also called a width of space. Width of space or tooth space. The sum of these two, this is the circular pitch. Are you getting my point? And uh, what is this? What is this? Sir, this is the fillet. Okay, you can see this. फील इट क्लियर देख लो एक बार थैंक्स फॉर टीचिंग विथ एनिमेशन सर आई कैन फील इट एंड टेक ईच एंड एवरी टॉपिक अंडरस्ट आर यू गेटिंग क्लियर हो रहा है मजा आ रहा है yes no? मजा आ रहा है यस अर्नो मजा आ रहा है यस अर नो मजा आ रहा है ये स्वर्ण समझ में आ गया सारा सारा समझ में आ गया जो लिखा है सारा समझ में आ गया फील हुआ हाँ या ना अरे बाबा फील हुआ कि नहीं बस देखो मेरे को फील कराना है इट फील हुआ हाँ या ना अभी बहुत सारी चीज बाकी है कहानी खत्म नहीं हुआ हुआ एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में फील हो रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो फील हो रहा है मिस्टर खान कह रहे हैं एक बार सर फिलेट बताना बेटा फिलेट ये ना जैसे गियर अगर ऐसे आया अब सीधे सीधे तो नहीं कट कर सकते तो अपन ने क्या किया रेडियस रख दी, है ना मतलब तो एक सेप रखा एक कर्व रखा ताकि उसपे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ना हो पाए ठीक है ना स्ट्रेस कंसंट्रेट ना कर पाए इसीलिए हमने क्या रखा फिलेट वर्ड रखा तो अरे आपने मशीन डिजाइन में पढ़ा है यार फिलेट स्ट्रेस कंसंट्रेशन मशीन डिजाइन का पहला ही चैप्टर है बताओ इतनी बात समझ में आ गई देखो कोई भी चीज जब कटिंग करते हैं जब भी किसी चीज की कटिंग करते हैं तो हम लोग कभी भी ऐसा कटिंग नहीं करते ऐसा कटिंग करोगे तो यहां और यहां स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाएगा इसलिए हम लोग कैसी कटिंग करते हैं हम लोग ऐसी कटिंग करते हैं ताकि एक फिलेट मिले एक रेडियस में फिलेट मिले ताकि स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ना हो अगर स्ट्रेस का कंसंट्रेशन बॉडी यहीं से टूटेगी नहीं समझ में आया बचपन में बैट बनाए थे लकड़ी का हाँ सर बचपन में जब बैट नहीं हम लोग खरीदते थे तो हम लोग क्या करते थे बना लेते थे खुद से लकड़ी काट काट के कुछ जुगाड़ लगा लगा के भैया के पास जाके भैया बना दो ऐसा दिमाग लगा के वो भैया ऐसे ही बैट बना देते थे और जब भी खेलते थे बैट यहीं से टूटता था स्ट्रेस कंसंट्रेशन ठीक है ना उसके बाद जब थोड़े बड़े हो गए तो इंडियन क्रिकेट टीम का बैट देखे ध्यान से तो दिखा कि अच्छा ऐसा सेफ होता उसमें ठीक है एक बार जाकर देखना ठीक है इज दैट क्लियर चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गियर रेशियो एक टर्म आया गियर रेशियो सुनिएगा मेरी बात व्हाट इज द गियर रेशियो

Pinion क्या होता है ड्राइवर गियर क्या होता है ड्रिवन इज दैट क्लियर गियर टू द पिनियन अच्छा आप को दो चीजें और क्लियर करना चाहूंगा थोड़ा तो अच्छा, सुन लीजिएगा जब भी गियर का नाम लिया जाएगा गियर क्या है बड़ा तो बड़े लेटर में जो लिखा जाएगा उसको गियर कहेंगे जब भी पिनियन का नाम पिनियन का है छोटा तो छोटे लेटर में जो लिखा जाएगा उसको पिनियन देखिए इसी गियर रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी आपको अपने आप समझ लेना है कि ये पिनियन है ये गियर कैपिटल लेटर में जो भी चीज लिखी जाती है वो गियर की होती है जो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है वो पिनियन की होती है अब एक चिंटू जिद करने लग गया नहीं 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 ये तो फिर हमारे साथ मतभेद हो जाएगा मैंने कहा क्या हुआ कहता है कि नहीं मेरे को एक साथ लिखो मेरे को दोनों कैपिटल टी लिखना है मैंने कहा अगर आपको दोनों कैपिटल टी लिखना है तो आपको नीचे सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा अगर आपको लिखना ही है सारा कैपिटल लेटर तो आप उसके नीचे सिग्निफिकेंस दो अदरवाइज कैपिटल अपॉन स्मॉल इट ठीक है ये चीज ध्यान रखो बड़ा लेटर छोटा लेटर यह होता है अच्छा बच्चा लोग एक चीज ध्यान से देखो थोड़ा गियर रेशो में आते हैं मोड्यूल क्या होता है अच्छा मोड्यूल क्या होता है तो यही लिख देते हैं मॉड्यूल क्या होता है डीयर डी वाई टी हाँ सर डी बराबर क्या होता है सर एम टी अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब भी दो गियर आपस में मैश होकर चल रहे हैं तो उनका मॉड्यूल हो क्या होगा तो तुम आके कहोगे मुझे कि उनका मॉड्यूल सेम होगा उनका मॉड्यूल क्या होगा उनका मॉड्यूल सेम होगा अगर उनका मॉड्यूल कांस्टेंट होगा तो डाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीथ हाँ ना डाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीथ यस सर इसका मतलब जैसा टीथ वैसा डाया है ना इसका मतलब गियर रेशियो टीथ ऑफ गियर टू द टीथ ऑफ पिनियन है तो डाया ऑफ गियर टू द ऑफ पिनियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना जैसे टीथ का रेशियो वैसे डाया का रेशियो है कि नहीं क्लियर ना अरे बाबा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस और नो चलो अच्छा सुनते रहे ना मेरी बात अभी खानी खत्म नहीं हुई मेरे, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई सुनते रहो मेरे भाई अच्छा एक चिंटू भागता हुआ आया मैंने कहा क्या हुआ भाई कहता है सर वेलोसिटी मैंने कहा अच्छा दोनों घूम रहा है दोनों का लाइन वेलोसिटी क्या एक ही है सर ओमेगा गियर का पहला क्लास यस yes, सर मतलब आर वन ओ मेगा वन इजिकल टू आर टू मेगा टू अगर दोनों का वेलोसिटी इक्वल अगर मान लीजिए दोनों का वेलोसिटी क्या इक्वल आर वन ओमेगा वन आर टू ओमेगा टू मतलब आर वन अपॉन आर टूकल टू ओमेगा मेरे भाई सुन जी सर अगर ये वन गियर है और टू पिनियन है इसका मतलब रेडियस को हम डाया का भी रेशियो लिख सकते हैं अरे भाई रेडियस को अपन डाया का भी रेशियो लिख सकते हैं डी वन डाया ऑफ गियर टू ऑफ पिनियन लिख सकते हैं बोलो हाँ है ना जी सर चलो अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड ऐसे ये तो स्पीड रेशियो हो रहा था भाई वो स्पीड रेशियो था सॉरी वो स्पीड रेशियो मैंने लिख दिया था दिस इज नॉट अ गियर रेशियो दिस इज स्पीड रेशियो ओके मैं आपसे सिखाना चाहता हूँ वेलोसिटी क्या होता है आर ओमेगा हाँ या ओमेगा को अपन क्या कहते हैं सर टू पाई एन अपॉन सिक्सटी यस और हाँ या ना करते हैं ना बोलो जी बेटा एक चीज बताओ एन और आर आर को अपन डाया भी लिख सकते हैं लो भाई टू आर को क्या लिखते हैं डाया इसको लिख दिया आई डी एन अपॉन सिक्सटी जब दो गियर आपस में घूमते हैं तो दोनों का वेलोसिटी आपस में सेम होता है जी सर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है जी सर डाया और एन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा कर दें तो एन को अगर इधर ले आऊं तो इसका मतलब है यहां से हमें समझ में आया सली प्रोपोर्शनल टू एन बोलो एन अगर इधर आ गया तो ये ठीक है ना yes no. ये ना ग्रेटर देन और इक्वल टू वन इक्वल टू वन कहां होता है अभी बताता हूँ बेटा इसका थोड़ी देर में डायमी टू एन इसका मतलब अगर डाया टू दिनियन सो एन क्या इनवर्स है इस... एन ऑफ ऑफिनियन अपॉन एन ऑफ गियर हो जाएगा इनवर्स हो गया डाया का जस्ट इनवर्स है ना डाया का जस्ट इनवर्स यस और अच्छा ये एन और ओमेगा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जैसा एन वैसा ओमेगा तो गियर रेशियो बेटा ये होता है गियर रेशियो ये होता है ठीक है ना हाँ अब तुम लोग पूछ रहे थे कि सर ग्रेटर देन वन तो हर केस में होता है इक्वल टू वन एक केस में होता है ठीक है अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप इसको एक हटा लो मैं आपको अलग से बता देता हूं गियर रेशियो एक केस में वन होता है उस केस का नाम है मिटरे गियर मित्रों मित्रों मेरी बात समझ में आई मित्रों समझ में आई सर टोम की पूरी होगी क्या पूरी होगी उनकी तो क्लास पूरी हो, तो उनका कोर्स तो पूरा होगा पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा बात समझ में आई मित्रों मित्रों लाइक बटन ठोक दो ठीक है ट्रिथ ऑफ गेट दिथ ऑपिनियन डा ऑफ पिनियन, स्पीड एन और ओमेगा इनवर्स है एन और ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है ना जैसा ही तो दिस इज द गियर रेशियो डियर इसको भूलना नहीं इसको ध्यान रखना ठीक है ना इससे बहुत सारे काम होते हैं एक होता है गियर रेतो एक होता है स्पीड रेशियो स्पीड रेशियो मैंने पहली क्लास में ही बताया है आप देख सकते हो ग्यारह बज गए तो हम कहा करें मित्रों अभी कहानी खत्म थोड़ी ना हुई है कहानी खत्म थोड़ी ना हुई है अरे सर हो गई अरे वेट कर बताता हूँ क्या ठीक ना इतनी बात क्लियर है सभी को गियर रेशियो क्लियर है जल्दी बताओ मित्रों बात समझ में आई एक बार बता दो फिर आगे बढ़े हम चलो प्रेशर लाइन प्रेशर एंगल देखो यहां यहां आओ यहां अरे कहा जा रहे हो मित्रों देखो देखो प्रेशर एंगल और प्रेशर लाइन इन दोनों की थोड़ी बात करते हैं बेटा एक चीज ध्यान से देखना दिस इज दिच एंगल दिस इज द कॉन्टेक्ट रेशियो पाथ ऑफ रिशे पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आर्क ऑफ रिशे चीजें जो है इनवोल्यूट इनवॉल्यूट प्रोफाइल के अंदर जब आप जाते हो दिस इज द इनवोल्यूट प्रोफाइल ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल है गियर का ये इनवोल्यूट प्रोफाइल है ना? ये इनवोल्यूट प्रोफाइल अभी हम पढ़ेंगे बेटा एनालिसिस करेंगे अभी इनवोल्यूट का बच्चा लोग एनालिसिस करेंगे अभी हम लोग इनवोल्यूड का तो अभी हम लोग एनालिसिस बाकी है एनालिसिस ऑफ इनवोल्यूड गियर बाकी है उसकी दो क्लासेस होंगी टेंशन मत लो ठीक है ना अपन हाँ प्रेशर एंगल प्रेशर लाइन अभी पढ़ेंगे ध्यान से अभी इसको पढ़ेंगे प्रेशर एंगल प्रेशर लाइन पढ़ेंगे अभी लेकिन इसके आगे पिच एंगल कांटेक्ट रेशियो पाथ ऑफ रेसिस पाथ ऑफ कांटेक्ट आर्क ऑफ कांटेक्ट पूरा आर्क ऑफ एंगल एंगल ऑफ एक्शन ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखेंगे लेकिन अभी पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रेशर एंगल और प्रेशर लाइन देखो प्रेशर एंगल क्या होता है है ध्यान से देखो ये गियर का सेंटर है। जी सर गियर क्या कर रहा है सर रोटेट कर रहा है गियर क्या कर अरे सर रोटेट कर रहा है अच्छा देखो यहां से मैंने एक लाइन खींचा है अच्छा तुम लोग बड़ा पूछ रहे थे ना बेस सर्किल बेस सर्किल कहा गया वो लड़का जो बार बार पूछ रहा था आ गया प्रेसर एंगल के टाइम पे आएगा बेस बेस सर्किल सुनो मेरी बात बेस सर्किल डिडेंडम सर्किल से भी नीचे होता है ये हमारा है बेस सर्किल देखो ध्यान से। डिडेंडम सर्किल से नीचे बोले तो रूट सर्किल से नीचे होता है हमारा बेस सर्किल क्यों क्योंकि इनवोल्यूड प्रोफाइल का जनरेशन किसी भी गियर के टीथ के अंदर टीथ का जो जनरेशन होता है वो बेस सर्किल से करते है। बट हम इसको सो कहां से करते हैं डिडेंडम से करते हैं ठीक है देखो डिडेंडम सर्किल के ऊपर से गियर देख रहा है बट इसका प्रोफाइल का जो जनरेशन होता है बेस सर्किल होता है दिस इज दर्किल जैसे एक ये हो गया एडेंडम दिस इज डिडेंडम ये हो गया हमारा बेस सर्किल दिस इज सर्किल उससे भी नीचे होता है ध्यान रखिएगा ओके डियर यू कैन कॉल मी ठीक है आलोक लाइव टेलीग्राम पे जाना वहां मेरा नंबर है ऊपर में, में नंबर होगा कॉल कर लेना ठीक है यू कैन सी दिस द बेस सर्किस ठीक है चलो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं यू कैन सी दिस दिस इज सेंटर लाइन ठीक है अब यहां से मैंने एक लाइन खींचा ओके और अगले गियर के बीच में एक लाइन खींचा और इनके बीच में एक एंगल देखा दिस इज द प्रेशर एंगल इज द प्रेशर एंगल आपको क्या समझ में आया प्रेसर एंगल्स प्रेशर एंगल को हम हाई से डिनोट करते हैं और ये होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में समझना इसके थ्योरी को मत पढ़ो पहले समझो चलो यू कैन सी दिस प्रेशर एंगल इज अ प्रेशर एंगल सुनिएगा जब गियर का टीथ रोटेट करता है जब गियर का टीथ रोटेट करता है जब गियर का टीथ रोटेट करता है तो क्या होता है एक टीथ दूसरी टीथ पर क्या लगाता है प्रेशर लगाता है एक टीथ एक टीथ पर क्या लगाता है डियर प्रेशर लगाता है ताकि वो रोटेट कर सके तो जब वो रोटेट करना चाहता है तो एक का, एक गियर गियर का के दूसरे पे फोर्स लगा के रोटेट करना चाहता है तो उससे क्या जनरेट होता है प्रेशर का क्रिएशन होता है तो एक टीथ प्रेशर लगाता है किसी गियर के दूसरे टीथ के ऊपर किसी एंगल से दैट इज द प्रेशर एंगल गियर का एक टीथ गियर के दूसरे टीथ पर प्रेशर लगाता है किसी एक एंगल से दैट इज द प्रेशर अब सुनो मेरी बात प्रेशर एंगल को तो यहां लाइन लिखा है इट इज द एंगल बिटवीन प्रेशर लाइन एंड कॉमन टेंजेंट टू द पिच सर्किल अच्छा ये कैसे देखा जाता है ये लाइन मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा जब आपको मैं एनालिसिस पढ़ाऊंगा देखो यही चीज दूसरे भाषा में अगर आप देखो ये तो आपको अभी प्रेशर एंगल ऐसे दिखाया गया ठीक है सर देखो एक, एक, एक हमारा लाइन होता है एक होता है पिच लाइन डियर दिस इज द पिच लाइन ये क्या हमारा पिच लाइन डियर दिस इज व्हाट? दिस इज द पिच लाइन ओके ये हमारा पिच लाइन होता है पिच लाइन से गियर का टीथ एक टेंजेंट बनाता है सुनिएगा मेरी बात ठीक है ये टेंजेंट बनाता है ये एक एंगल होता है दैट इज व्हाट द्रेशर एंगल बेटा यही एंगल ये लाइन है यही एंगल ये लाइन है सो डोंट टेक टेंशन अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो आपको मैं बता देता हूं यू कैन सी दिस अगर ये फाइव है तो ये भी फाइव यू कैन सी दिस ठीक है ध्यान से सॉरी ये नहीं ये वाला ये एंगल दिस इज द एंगल फाइव ओके ये लाइन क्या है सर दिस इज द सेंटर लाइन सेंटर लाइन से कोई टेंजेंट अगर खींच रहा है ठीक है ना किसके ऊपर पिच लाइन के ऊपर तो यहां एक प्रेसर एंगल दिखाई देगा देखो प्रेशर एंगल ना तुमको मैं अभी डिफाइन करके नहीं यहां दिखा सकता रीजन है क्योंकि अभी तुम इनवोल्यूड प्रोफाइल के बारे में भी नहीं जानते हो ठीक है ना प्रेशर एंगल इतनी जल्दी नहीं समझ में आने वाला मेरा मानना है कि इस टॉपिक को मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा ठीक है ना जब मैं ये पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट पाथ पार्थ ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब पूरा एनालिसिस करूंगा इनवॉल्यूट गियर का तो प्रेशर एंगल प्रेशर लाइन ये जो वर्ड है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनालिसिस ऑफ इनवॉल्यूट गियर सर आप कब पढ़ाइएगा कल नहीं परसों कल क्या होगा बेटा कल पढ़ाऊंगा गियर का प्रोफाइल गियर का प्रोफाइल कल पढ़ोगे तुम गियर का प्रोफाइल और जिसके अंदर आप पढ़ोगे आते आते क्या कल आते आते, आते आप लोग सबसे पहले बात करोगे एक लॉ की वो लॉ है लॉ ऑफ गियरिंग कल आते आते ही आप मेरे से बात करोगे लॉ ऑफ गियरिंग देन उसके बाद हम बात करेंगे गियर के प्रोफाइल की माय डियर फ्रेंड उसके बाद हम बात करेंगे गियर के प्रोफाइल की पहले बात करेंगे हम व्हाट इज द लॉ ऑफ गियरिंग गियर का लॉ क्या है ठीक है ना वट इज द लॉ ऑफ गियरिंग ठीक है उसकी हम कल बात करेंगे लॉ ऑफ गियरिंग की सब चीज बात करेंगे ठीक है उस समय आपको पढ़ाऊंगा कोई टेंशन मत लेना क्योंकि जब तक इन्वॉल्यूड प्रोफाइल साइक्लोडल प्रोफाइल नहीं समझोगे तब तक प्रेशर एंगल जबरदस्ती का नहीं समझ में आएगा पील लेना है तो इंतजार करना होगा ठीक है तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन चलो आज मैंने एक नई चीज जोड़ी है वह है ये क्विक रिकैप ठीक ना तो आज हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा रिकैप लेते हैं ठीक है ना चलिए थोड़ा देखते हैं डियर तो ये वन अब हम देखेंगे डियर टोटल तोटा, टोटल है हमारे सामने सोलह सिक्सटीन टोटल सोलह है सोलह को हम लोग एक बार देख लेंगे जल्दी से जल्दी फिर खत्म करेंगे इस क्लास को ठीक है ना दिस इज द क्विक रिकैप ओके यू कैन सी दिस ये क्या है सर दिस इज द टू थिकनेस और नो ओके नाउ व्हाट इज द सेकंड सर दिस इज द टू थिकनेस सेकेंड सर दिस इज द टूथ स्पेस ये सर नो वट इज दर्ड सर दिस इज दर्कुलर पे यही सर्कुलर पे ठीक है ना आ, या वही सेम टू सेम है जो यहां से हमें यहां तक दिखाई देता है डियर वो यहां से यहां तक इनको दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो भैया फोर्थ भी समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आगे गए कहा आए फिफ्थ पे ये क्या है सर दिस इज द एडेंडम सिक्स क्या है सर दिस इज द डिडेंडम ये क्या है सर सेवन क्या है सर दिस इज द क्लियरेंस एट क्या है सर दिस इज द एडेंडम सर्किल एलेवन क्या है सर दिस इज द डिडेंडम सर्किल अच्छा टेन क्या है सर दिस इज द बेस सर्किल देख लो बेस सर्किल बेस सर्किल डिडेंडम सर्किल से नीचे है ओके एंड नाइन क्या है सर दिस इज द पिच सर्किल ओके एंड ये सर्कुलर पिच हो गया और uh, ये क्या है सर दिस इज द टॉप लैंड दिस इज व्हाट बी पेस ये अच्छा यहां से अगर मैं ऐसे लाइन खींचू तो थर्टीन क्या है सर दिस इज द फेस फोर्टीन क्या है दिस इज द फ्लैंक सिक्सटीन क्या है वॉट इज दिस सर दिस इज द बॉटम लैंड वो टॉप लैंड ये बॉटम लैंड और ये वाला लाइन क्या है सर दिस दिस इज इज द फ्लैंड कटिंग क्लियर देख लो सब हो गया ओके न्यूमेरिकल टू या न्यूमेरिकल भी होगा प्रॉब्लम्स भी कराए जाएंगे डोंट टेक टेंशन ठीक है ना सारी चीजें होंगी ठीक है ना यहां फुल कोर्स पढ़ाया जा रहा है आपको हर एक चीज ठीक है ना ईएससी के कन्वेंशनल तक को बोला है मैं आपको कराऊंगा डोंट टेक टेंशन ईएससी ऑब्जेक्टिव गेट ऑब्जेक्टिव गेट न्यूमेरिकल ईएससी न्यूमेरिकल ऑल थिंग्स ठीक है ना डोंट टेक टेंशन दिस इज द थ्योरी ऑफ मशीन वन स्टॉप सोल्यूशन थ्योरी ऑफ मशीन वन स्टॉप सोल्यूशन सो दिस इज द क्विक रिकैप और आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में भर दो आरके से गजब रिकैप सर प्लीज इंक्लूड इट एवरी लेक्चर इफ पॉसिबल एवरी लेक्चर में अगर पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे ठीक है ना अगर ऐसा रहा तब तो फिगर बेसिस पे नहीं रहता डियर ठीक है ना हर एक लेक्चर अलग अलग तरीके से रहता है ठीक है ना तो चलो कोशिश करेंगे एवरी लेक्चर में हो पाए क्विक रिकैप कोशिश करेंगे ठीक है ना तो माय डियर फ्रेंड प्लीज सी दिस क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दो और आग लगा दो बताओ फील हुआ कि नहीं हुआ जो बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ मैंने बोला था फील होगा रूह रूह तक पहुंच जाएगी मेरी ये आवाज ठीक है ना क्योंकि कल पढ़ने वाले हम लोग लॉ ठीक है ना कल हम करेंगे गियर के साथ लॉ लॉ ऑफ गियरिंग बेटा आपको थंबनेल में दिखाई देगा गियर प्रोफाइल लेकिन हम लोग यहां बात पे करेंगे लॉ ऑफ गियरिंग के भी ठीक है ना लॉ ऑफ गियरिंग लॉ ऑफ गियरिंग आदित्य 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 वो शॉर्ट वीडियो आएगा बता दूंगा आदित्य इसका शॉर्ट वीडियो लाऊंगा डोंट टेक बेटा परेशान ना हो आ जाएगा एक दो दिन रुको तो आएगा ना कुछ चीजें जल्दी बताओ एक्सट्रीमली क्लास से सबसे ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि कल करेंगे हम लोग लॉ ऑफ गियरिंग कल सीरियसली बहुत मजा आने वाला मैं गारंटी दे रहा हूं ठीक है ना लॉ ऑफ गियरिंग के बाद जब आप गियर प्रोफाइल पढ़ोगे ना आपको फील होगा कि आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ के बहुत अच्छा किया ठीक है ना तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी आप लोग अपना कमेंट में ही कमेंट किया कीजिए कमेंट बॉक्स में भी भर दिया कीजिए क्लास के बाद एक इस क्लास का एक कमेंट बॉक्स होता है ठीक है ना तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी मेरी इन एनिमेशंस मेरे द्वारा किए गए कि हर एक चीज को हर एक एनिमेशन को एक नाम दिया है मैंने मतलब इतना प्यारा चीज मैंने आपको दिखाया है इतनी सही सही तरीके से मैं आपको यहां समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर एक सब तो तो सिर्फ आप लोगों के लिए है। so और जल्द ही आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को जल्द ही दो सरप्राइज देने वाला हूं सो प्लीज वेट फॉर दिस एंड कल करेंगे ऑफ गियरिंग एंड गियर प्रोफाइल ओके डियर वन ऑफ द बेस्ट क्लास सर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं एक्सिलेंट थैंक यू ठीक है चलो तो गाइज आप लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो और दोस्तों तक पहुंचा जरूर दीजिएगा कि ये क्लास आपकी डेली चल रही है फुल कोर्स चल रहा है पूरा फुल टाइम फुल टाइम कोर्स चल रहा है तो पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है पढ़ाने की देखिए मेरा एक घंटे का क्लास होता है फिर मैं आपको इसको अप्रोक्सीमेटली दो घंटे तक खींच ही देता हूं ठीक है ना तो ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है तो कोशिश करिए कि लाइव आइए ज्यादा से ज्यादा ठीक है डियर और अगर आपको प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है ठीक है ना तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड एटेज आलोक लाइव आलोक लाइव इज माई रेफरल कोड डियर आलोक लाइव कोड लगाकर आप दस परसेंट का डिस्काउंट पा सकते हैं ना टेन परसेंट ऑफ हो जाएगा और क्वाइन uh, वगैरह आपके पास है तो उससे भी आपका और पैसा कम हो जाएगा फीस में तो आप देख सकते हो प्लस में आपको और मजा आता है डाउट सॉल्विंग होती है आपकी वीकली टेस्ट होता है जैसे आपका इलेंस होता है कोर्स क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट होना एक बच्चा इस बार उन्नीस हजार सोलह हजार तीन सौ बानवे रैंक से डायरेक्ट आप ट्वेंटी थ्री रैंक पे पहुंच गया है तो आप देख सकते हैं ठीक है ना इंग्लिश हिंदी बैचेस ये सब मिलता है डीयर तो रैंक इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है आप लोगों का और देखिए मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप लोग डिसिप्लिन मैनर में हो तो सब्सक्रिप्शन का कोई जरूरत नहीं है अगर आप डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई कर रहे हो अगर आपको लग रहा है कि आप डिसिप्लिन मैनर में नहीं पढ़ पा रहे हो आपको लग रहा है कि आप डेली टाइम टू टाइम नहीं पढ़ पा रहे हो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो ठीक ना उतना जितना सेल्फ स्टडी में देना चाहिए आपको आप वो नहीं दे पा रहे हो ठीक है ना अगर आपको लग रहा है तो मेरे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ठीक है ना बिना सोचे समझे क्योंकि समय की बहुत महत्व है हमारे लाइफ में टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू मनी अगर टाइम रह गया ना तो आदमी मनी का चार गुना कमा सकता है ठीक है ना अगर टाइम रहते हैं अगर आपकी नौकरी अच्छे पीएसयू में लग गई अगर आपका एक अच्छा सपना पूरा हो गया आप आई एस ऑफिसर बन गए ना तो एक महीने की सैलरी इतनी उठा लोगे जितना इसका फीस नहीं है उसके फीस का चार गुना सैलरी उठा लोगे

आजकल तो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल इशू है ना अगर आपको तो ई एम आई ई एम आई बाई पार्ट ई एम आई बाई पार्ट क्या होता है सर ई एम आई तो हमने सब सुना है ई एम आई बाई पार्ट क्या होता है आप तीन पार्ट में ई एम आई भर सकते हो ठीक ना एक ऑप्शन है ई एम आई बाई पार्ट अगर आपको लगता है फीस इतनी ज्यादा है तो ठीक ना फीस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एक साल का है आलोक लाइफ कोड लगाओ दस परसेंट डिस्काउंट है यहाँ भी दस परसेंट डिस्काउंट यहां भी आपको दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ठीक है अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो या yeah. यहाँ आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो चौबीस महीने का लीजिए और फाइनल ईयर या पास आउट हो तो एक महीने एक साल का ले लीजिए बारह महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आई के सब्सक्रिप्शन के लिए आप ले सकते हो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा कंक्लूजन वगैरह लिखने में फायदा मिलेगा मैं स्पेशल क्लास इस में इसका एक प्रारूप दे चुका हूँ कि कैसे होता है आइकॉनिक में क्या किया जाता है एक बार स्पेशल क्लास में मैंने दिखाया था ठीक है ना एंड गाइज टेलीग्राम चैनल आलोक लाइफ पे जल्दी से जल्दी, जल्दी जाओ और जुड़ जाओ टेलीग्राम पे आप सभी लोग जल्दी जल्दी जाओ जुड़ जाओ आलोक लाइव इज माई टेलीग्राम चैनल यू कैन सी दिस आलोक लाइव आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हो अदरवाइज दिस इज माई लिंक स्लैश स्लैश टी डॉट एम स्लैश आ लाइव इसको जाके क्लिक करोगे गूगल क्रोम में अपने आप टेलीग्राम चैनल आ जाएगा सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन ठीक है ना सेशन बहुत मजेदार रहा आज का सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट थैंक यू सो मच योर सेवेंटी फोर लाइक्स ठीक है ना सेवेंटी फाइव हो जाएगा तो डिकन हो जाएगा ठीक है ना सो थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो टिलन इंजॉय बाय तब तक ले सभी को जय हिंद जय भारत